डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं? कौन से डॉक्यूमेंट? उससे क्या मतलब है तुम्हारा? जल्दी बोलो। मुझे मालूम नहीं। ठहरो। सर, आपको कुछ नहीं होगा। मैं दुर्गा प्रसाद जी का जूनियर हूँ। आपके पिताजी के लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स के लिए प्रसाद राव जी ने मुझे भेजा है। वो कहाँ है मुझे दीजिए, मैं उनके पास लेके जाऊंगा। लीजिए ये डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह कल सुबह दुर्गा प्रसाद के पास पहुंचा दीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए। ओके, थैंक यू। राजाजी कुमार की हत्या करके गरीब कॉलोनी से संबंधित डॉक्यूमेंट चोरी कर लिए गए और इसका इल्जाम वकील श्री दुर्गा प्रसाद जी पर लगाया गया और दुर्गा प्रसाद अभी तक वो डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर पाए। इस वजह से श्री दुर्गा प्रसाद गरीबों की तरफ से ये केस हार गए हैं। इसलिए कोर्ट इस निर्णय पर पहुंची है कि इस जमीन का अधिकार साउथर्न ग्रुप को दे दिया जाए। दुर्गा प्रसाद हाय हाय, 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 दुर्गा प्रसाद हाय हाय। सर, ये केस हारने पर आपका क्या कमेंट है? आप असमर्थ हैं या कोर्ट असमर्थ है? असल में फाइल है या चोरी हो गई? मैं हारने की वजह से दुखी नहीं हूँ। इतने गरीब लोगों ने मेरे ऊपर जो उम्मीद रखी, उन लोगों की उम्मीद टूटी, इसलिए मैं दुखी हूँ। फिर भी सर, ए मिस्टर, पीछे हटो ना यार। ए, तू चलना यार। लिखो भाई लिखो, दुर्गा प्रसाद के जूनियर ने जर्नलिस्ट का अपमान किया। हेलो वकील साहब, कमॉन। कौन हो तुम? मेरा नाम सत्यमूर्ति, नेशनल वाइड फुटबॉल कोच हूँ। ग्राउंड में मुझे टक्कर देने वालों से फुटबॉल खेलना, मुझे जो पैसा देते हैं उनके लिए काम करना मेरी हॉबी है। साउथर्न ग्रुप वाले मेरे आदमी हैं। कल रात उस घर में जाके उन डॉक्यूमेंट्स को मैंने निकाला। इस बार खाली उस फाइल पे बात खत्म हो गई। अगली बार अगर मेरे किसी आदमी की तरफ देखा तो जान से जाएगा। कोर्ट में मुकदमा लड़ना मेरा काम है और कोर्ट के बाहर गुंडों की धुलाई मेरी हॉबी।
एसआई साहब, इसका स्टेटमेंट ले लीजिए। अरे भाई, उज्जैन का डैम टूट गया क्या? भूकंप आ गया कह के मैनेज कर लो। फिर से 12 लाख का फटका पड़ गया। डाला हुआ टेंडर भी पता है और बनाया हुआ कॉन्ट्रैक्टर भी पता है। क्या क्या हुआ है देखना पड़ेगा। पूरा मिला के कितना लाभ हुआ जरा देखना। पूरा हिसाब हो गया जरा। थैंक्स। जो पूछा वो तो बताया नहीं, भूल क्या सजा रही है? वो क्या है? अरे साड़ी संभालना रे। इतना बड़ा हिसाब एक बार में बोलना जरा मुश्किल है। अच्छा, कल सुबह पेपर वाले के ऊपर पत्थर तुमने क्यों मारा? मैंने तो चिड़िया को मारा था। इसे मारा क्या? मारा है? लेकिन निशाना चूककर बगल में गिरा। रात को तुमने क्या किया मालूम है? क्या किया? वो हमारे बीच में आ रहा था तो मैंने सोचा कुछ करना पड़ेगा। फिर जानते हो मैंने क्या किया? मैंने उसको ऊपर पहुंचा दिया। कब? सातवें पैग में किया। मुझे बेवकूफ मत समझना, चीता से जैसे संभाल के रहता हूँ वैसे ही मैं चींटी से भी संभाल के रहता हूँ। थैंक्स यार अशोक, लगता है अगर एक कोर्ट में बयान झगड़ा दावा करना छोड़कर अगर हम धुलाई का काम ही शुरू कर दें तो सारे केस जल्दी क्लियर हो जाएंगे, ऐसा लगता है। आज तो गुरुजी की जीत से खुश होकर आंटी नजर उतारने के लिए तैयार बैठी होंगी। बिल्कुल, बस भी करो यार, ये सब गुरुजी को बिना बताए किया, वो बोलेंगे। बिना बताए करने में ही तो मजा है। मजा या सजा अंदर जाने के बाद पता चलेगा। सुनो, आज से तुम लोग इस चौखट के अंदर कदम नहीं रखोगे। क्या हुआ, क्या किया इन लोगों ने? इन लोगों ने गलत काम किया है, इसलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया। क्या हुआ, क्या किया तुम लोगों ने? हमने नहीं, इसने मारा। एक अपोजिशन कैंडिडेट को मार मार कर इसने सच उगलवाया। वो इमरजेंसी में करना पड़ा। क्या जी, आप भी? मैं तो कुछ और ही सोची थी। धोखा देने वाले से सच बुलवाना गुनाह है क्या? सुनो, गलत और सच क्या है मुझे मालूम है। लॉ की पढ़ाई की है, न्याय के हिसाब से न्याय दिलाने के लिए, गुंडों की तरह मारपीट करने के लिए नहीं। वो नहीं चाचा। क्या? उसने धोखा दिया, कबूल करवाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था इसलिए। लक्ष्मी, मैं इन लोगों से बात नहीं करना चाहता हूँ। इनसे कहो कि मुझसे बात मत करें। लॉ पढ़ाकर इन अनाथों की जिंदगी बनाने की कोशिश की। 3 सच्चे और ईमानदार लॉयर तैयार करने का उद्देश्य था, ऐसे गुंडे बनाने के लिए नहीं। इनसे कहो यहाँ से चले जाएं। ये क्या है जी, ये सब मेरे अपने बच्चे हैं, इनको छोटी सी गलती के लिए बाहर निकालोगे? लक्ष्मी, और एक भी शब्द बोली तो तुम्हें भी इनके साथ बाहर जाना पड़ेगा, समझी? ये क्या कह रहे हैं आप? माँ, मेरा वकालत मत करो। सेक्शन के हिसाब से गलती मिलने पर जज का निर्णय सही है। सच वो झूठ बोल रहा था, नए स्थान के धोखा देते देखा, मगर गुरुजी को पूछ के ही करना था, नहीं किया, नहीं किया। इस प्रयत्न में वो 2 आदमी को मारा, उम्मीद रखा हुआ गरीबों को धोखा दिया, पुलिस स्टेशन में पीटने पर ही सच बोला, सब लोग दुर्गा प्रसाद जी का शिष्य अच्छा किया कह के ताली बजाया, लेकिन दुर्गा प्रसाद जी के छाती पर मार रहा था, ऐसा नहीं सोचा था, इसलिए माफ नहीं करना। आंटी, हम कोई इनका अपना खून थोड़े ही है, हम तो बाहर से आए हैं, हमें क्यों माफ करेंगे? सही, हम वहीं पे वापस चले जाते हैं। अरे सच में जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो, कोई घोंसला है क्या? बिना घोंसले के पक्षी का तो हर पेड़ घोंसला है। बेकार डायलॉग। कटी हुई पतंग कहाँ जाएगी माँ जी, किसी भी बिजली के तार में लटकी रहेगी। माँ, आपका एहसान इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाएंगे, चलो। अरे ए जी, अशोक, अरे जी भर गया ना आपका, चलो खा लो, अकेले बैठकर अपने बच्चों के लिए बैंगन का भुर्ता बनाया था। बैंगन? मुझे भूख नहीं है। होगी क्यों, बच्चों को अनाथ करने की खुशी में आपका पेट तो भरा ही होगा ना। क्यों मुझे बातें सुना रही हो? क्यों, एक पिता की तरह डांटने का अधिकार नहीं क्या मुझे? बोलो, उन लोगों ने मेरी इज्जत के लिए जो किया वो मुझे अच्छा लगा, मुझे खुशी हुई। जाओ बोला तो क्या वो चले जाएंगे? गलती हो गई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। हमको घर से निकालने वाले आप कौन होते हैं, ऐसा पूछ सकते हैं ना? बोलो, गलती हो गई, माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। वादा करते हैं, अब कोई गलती नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। फिर किसी से मारपीट करोगे क्या? अगर मारना है तो आपको पूछकर मारेंगे। क्या? आपको पूछकर ही मारेंगे। ठीक है, जाकर खाना खाओ, जाओ। ललू ललू, आओ खाना खाने के लिए। हाँ, 20 मंजिली इमारत गिर गई।
ट्रेड यूनियन लीडर, इतनी बड़ी बिल्डिंग का गिरना और इतने लोगों का मरना, कॉरपोरेशन आखिर कुछ कार्यवाही क्यों नहीं करती है? चोर लोग जैसे गांव को लूटते हैं, वैसे ही तुम लोग पब्लिक को लूट रहे हो। तुम्हारा ये अन्याय ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है। हादसे में मरे हुए परिवार वालों को मुआवजा देना होगा। ऐसे हवा में गिरने वाले बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट करके सजा दिलवानी होगी। अगर आपने इन बातों को अनदेखा कर दिया तो मजबूर होकर हम लोगों को आपके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अरे जा रे। क्या सर, हमें बुलाकर आप घूम रहे हैं? थोड़ा पांव हटाएंगे। थैंक्स। आप सबके आने के बाद छत से नीचे कूदने की सोच रहा हूँ सेक्रेटरी जी। कूदूं क्या बोलो? मैंने सोचा था कि मेरे साथी आकर मुझे संभाल लेंगे, पर तुम लोग तो उल्टे ही मुझे डरा रहे हो। यूनियन का आदमी है जी। यूनियन का आदमी है तो क्या हुआ? थैंक्स। 2 मिनट में इस मुश्किल का जवाब मुझे चाहिए, नहीं तो तुम सबका नाम लिखकर जेब में रखकर छत से कूदूंगा। और जब मैं मर जाऊंगा तो तुम सब लोगों का क्या होगा? अंदर जाओगे? सोच लो। अरे माचिस नहीं, अरे बाबू। उसके बारे में इतना क्या सोचना, सेटल कर देंगे। ओ बाबू, अरे ऐसा हरगिज नहीं करना। ये पॉलिटिक्स वाला आदमी है ना, ये ट्रेड यूनियन का आदमी है, हम सब फंस जाएंगे। इसे हम कानून की लाठी से मारेंगे, कैसा रहेगा बोलो? अरे देखो इधर। अच्छा तो ये काम कौन करेगा? जॉर्ज। फिर जॉर्ज बेंगलोर जब पहुंचेगा, उसी दिन जॉर्ज के नाम पर हमारा आदमी हैदराबाद फ्लाइट टिकट से उस्मानिया हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। फ्लाइट टिकट, उस्मानिया हॉस्पिटल एडमिशन के आधार पर इस एक्सीडेंट का कोई भी साक्ष्य नहीं मिलेगा। क्या कहा, जरा फिर से बताना? मतलब इस इंसिडेंट का कोई सबूत नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा तो तुम मरोगे। और पॉलिटिक्स वाला, कर्नाटक असेंबली तुम देखोगे। कल असेंबली हो गया, अब कोई डर नहीं है सर। अरे फोन आया रे बाबू, फोन आया। बात तो कीजिए। हेलो, कौन है? अच्छा तुम हो बाबू। अरे मैं उसी काम पर हूँ रे बाबू, उसी काम पर हूँ मैं। ठीक है, फोन रख दो अभी। कल शाम को 4:30 बजे बाबू ने मुहूर्त रखा है। ओके, एग्रीमेंट पूरा हुआ, बाकी की बात वेंकट रत्नम जी से पूरी कर लो। माफ करो, 4:30 में 2 मिनट बाकी है। हेलो, क्या कर रही हो? अब किधर हो? छे, तुमसे सिर्फ बात करना बाकी रह गया। क्या बाकी है? अरे अशोक, मुझे भी दिखाओ। अशोक, मुझे भी अशोक। नो प्लीज अशोक, देखो बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम अकेले उस किताब से बात करते हो, अब हमें भी दिखाओ। हाँ अशोक, एक बार दिखा देना यार। देखो हमें भी दिखाओ, नहीं तो गुरुजी को बुलाता हूँ। बताऊंगा बाबा, बताऊंगा। वो लॉ पढ़ाई के आखिरी साल था, स्कॉलरशिप लेट आया, वो हर बात पर लॉटरी लगाती थी। भूखा पेट पर पानी डालेगा तो चलेगा, किरायेदार को किराया ना देने से नहीं चलेगा। वो मेरे लिए समस्या थी और मैं उसके लिए समस्या था। समस्या से तो मैं मर रहा हूँ। ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम समुद्र तट के पास ऑल फैसिलिटीज का घर है मेरा। आज से नया रूल्स चलेगा मेरा, रात को दिया नहीं जलेगा, नाइट समय में पंखा नहीं चलेगा, चूल्हा जलाना पर धुआं नहीं निकालना, एक घर को एक ही मटका पानी मिलेगा, दूसरे मटके का पैसा एक्स्ट्रा, तुमको चाहे जितना तकलीफ मिले मुझे भाड़ा देने में तकलीफ। अरे कुकुर मुत्ता, समस्या समस्या क्यों करता है रे? वो पान वाला और कारखाना वाला गिनती में क्यों नहीं है? वो दे दिया बोला और तुम नहीं दिया बोलता है, ऐसा मुंह लटका के क्यों बैठा है? तेरे सर की कसम, वो टपोरी लड़कों की बात मत सुनना। अरे मौसी को सोच समझ कर बोल, सोच कर। वो पूरा पैसा किधर छुपा के आ रहा है? क्या सोच रहे हैं आप कि हाथी जैसी मैं इस चूहे के साथ कैसे आ गई? यही ना, अरे ये तो गायों की देखभाल करने के लिए आया था। बस कर, जरा सोचा कर। एक दिन मैं ना अपने घर के आंगन में बैठी थी, वहीं से ये गाना गाते गाते जा रहा था। इसको देखने के लिए मैं इसके पीछे भागी। मैंने सोचा कि फनस का टुकड़ा मीठा होगा। सही वहाँ पर इसको मैंने ना चप्पल से टक 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 देना चाहिए था, लेकिन मैंने ना ताले की क्या कहानी है रे बोल? जब देखो तब यहाँ ताला ही रहता है, भाड़ा नहीं देती है क्या? इतना दिन से इसको अभी तक नहीं देखा मैंने। तुमने अगर इसे भाड़ा नहीं लिया ना, तो भाड़े की वजह से तुमको घास खानी पड़ेगी, समझे? वो तो बड़ी खिलाड़ी है, उससे पंगा लिए तो भूखों मरना पड़ेगा। कल उसको पकड़ूंगा, पर आज तो मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दो? तेरे तो कपड़े भी निकलवा के घर से भगाऊंगी। कल मुहा कहीं का इसको खाना चाहिए बोल रहा है। खाना पकड़ूंगा।
पकड़ूंगा। कैसे पकड़ेगा, मैं अंदर से बाहर हूँ तो ना पकड़ेगा, अंदर ही रहकर ताला डालू तो? बाहर से ताला लगाएंगे? हाँ, चिल्ला चिल्ला के चला जाएगा। लेकिन उसके जाने के बाद ताला कौन खोलेगा? अभी तक आप लोग जिसको देखने के लिए तरस रहे थे वही औरत, वही है ये, यही है वो। सुन। हेलो। ये कैसा अवतार है? भाड़े का अवतार। वो चले गए, अब नीचे तो उतरो। हर दिन आपको तकलीफ दे रहा हूँ, सॉरी। कोई बात नहीं। उपमा है जी। आप क्यों तकलीफ करती हैं? सुनिए, भाड़े के लिए वो आदमी चिल्ला रहा है, उसको दे दीजिए ना। छोड़िए ना, चिल्ला चिल्ला कर कान फाड़ रहा था, बंदर जैसा कूद रहा था। अपने पास हो देने के लिए तब ना दे। लॉ की पढ़ाई स्कॉलरशिप से हुआ, जो पैसा मिलता है वो तो महीना भर भी नहीं चलता, तो भाड़ा कहाँ से दें? हाँ? घर उसका है आपका। जो भी हो, आज के लिए तो चला गया ना, फिर वो कल आएगा, तब तक भाड़े की बात छोड़। अरे ओ हीरो, गांव से वापस कब आए? मकान मालिक भाड़े के लिए चिल्लाकर अभी अभी गया। दिल्ली फ्लैट से उतरकर उसके घर जाकर भाड़ा देके आ रहा हूँ। समझ गया। ये क्या है जी? उसने पूछा बताया। अरे हाँ, लाइब्रेरी फीस नहीं भरा ना? अभी तक फी नहीं भरा। हाँ, कल ही आखिरी तारीख था। चलो देखा जाएगा जो होगा, पता नहीं कहाँ से पैसा लाऊंगा मैं। अरे बुरा मान जाएंगे। इसे 120 रुपया मिलाकर पूरा 4720 हो गया। इस 20 रुपया देकर काम कर दिया। ओके। मगर बाकी पैसा जब भी दूंगा आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो मैं फील करूंगा। कॉलेज का फीस भरना है, एग्जाम का फीस भरना है। भरना है ना? मतलब मेरा फी मुझे भूल जाना है क्या? देश के लिए एक अच्छा लॉयर को दे रहे हो, गर्व करो। मिल गया छोकरा। वो तू कौन है लड़की? क्या है भाई, घर देते समय 9 महीने पहले देखा था, फिर अभी देख रहा हूँ। थोड़ा मोटा हुआ है। उपमा है? थोड़ा सा खाने के लिए उपमा नहीं देता है तू? शादी के लिए नहीं आया मैं, थोड़ा याद करने के लिए आया हूँ मैं। सुनो, कल सुबह 9 बजे से पहले भाड़ा नहीं दिया तो तुम्हारे वजह से आत्महत्या कर रहा हूँ, करके लिख के जेब में रख कर ट्रेन के नीचे जाकर मर जाऊंगा मैं, सच कह रहा हूँ। अच्छा, तो जाके मर जाना कहीं, बड़ा बताने के लिए। अरे मरने से पहले ना मेरा सारा हिसाब करके जाना, घर का खर्चा चलाने के लिए, समझे? टिकट 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 देख क्या रहा है, काले कौवे की तरह कल मुहा कहेगा, मर जाना। देखिए, जिंदगी को एक रास्ते में चलाना है, मगर बिना डिसिप्लिन के खेलना मुझे पसंद नहीं। वो लोग अब चुप नहीं रहेंगे, कल 9 बजे तक कैसे भाड़ा देंगे? क्या है वो फिर? ये विश्व सुंदरी। अरे पढ़ोगे तब तो समझोगे। खूबसूरत जोड़ियों का कंपटीशन है। प्रतियोगिता होटल स्वर्गम प्रोप्राइटर के मैरिज डे के संदर्भ में। इस प्रतियोगिता में जीतने वाली जोड़ी को 5,000 रुपए इनाम में मिलेगा। खूबसूरत जोश और होश में रहने वाली जोड़ी भी प्रतियोगिता में जीत कर इनाम पा सकती है। प्लीज, जिंदगी को खेलना समझकर जीतना है तो आपको मेरे साथ नाटक करना ही पड़ेगा। पसंद नहीं है? कौन सी साड़ी पहनूं? सॉरी। मेरी जोड़ी है दुनिया में आला, देख ले चाहे देखने वाला। मेरी जोड़ी है दुनिया में आला, देख ले चाहे देखने वाला। जोड़ों में जोड़ा ऐसा है कम, आए हैं करने मुकाबले का हम स्वागतम। मदर भी वाइफ होगी ना वन डे? हाँ, मगर घर पर नहीं बनेगी, माँ कहीं और बनेगी। What?
पत्नी चाहती माँ बनने को नर्सिंग होम में पहले पति निशानी पेट में रख के ताकि दिल बहले वो रहती है माँ बनने को बेताब बड़ी रहती है माँ बनने को बेताब बड़ी बाप पॉकेट में बनता है दर्द औरत को देता है बाप पॉकेट में बनता है दर्द औरत को देता है हम तुमसे दुनिया में होते हैं मोहतरम एक दो तीन चार आ जाए हम तैयार एक दो तीन चार आ जाए हम तैयार औरत पे तुम्हें गर्व है चरणों पे कभी उसके तुम रहे या उसने रखा अरे ये तो बावला है इट इज नॉनसेंस उसके देव हमी उसके प्राण हमी उसके देव हमी उसके प्राण हमी सर से पांव तक रहते उसके चरण में भी लोग पड़े हैं जो उसे है जानते चरणों पे रहते हैं खुशी खुशी जीते हैं हम तो यूं खुशी खुशी जीते हैं हम तो यूं खुशी खुशी एक दो तीन चार आ जाए हम तैयार एक दो तीन चार आ जाए हम तैयार देखिए इनकी जिंदगी चमक धमक के नामों से ये रंगते अपनी जात कई क्यों कमला हसन अमिताभ बच्चन रेखा अवतारों के नाम से इनको अक्सर होती रहती चिड़ी देव जात की जिसने मिसाल दी उसने तो है डांट सुनी बार गया है क्लब गया है गया न कोई पंचगनी कण कण देते दे तरह के चूड़ पकड़ अब होते हैं बंधन एक वर्षा में इनको बहा के ले जाते हैं सावन क्या हुआ बताना कोर्ट का टाइम हो गया गुरुजी वेट कर रहा है चलो घर इंडिया में है लेकिन बुनियाद अमेरिका में बनाएगा ऐसा कह रहा है कॉन्ट्रैक्टर सर सर जो हमने नहीं बनाया वो कागज में है और हॉस्टल पर इंक्वायरी किया है ऐसा होम मिनिस्टर ने सेक्रेटरी को बताया है सर सर खा लिया इसने खा लेगा सर ये ओ मैं बहरा हूँ क्या इंक्वायरी बिठाया है तो क्या हुआ क्या कर लेगा वो आने वाला इंक्वायरी ऑफिसर बहुत स्ट्रिक्ट है सर मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी है सुनाई नहीं दिया सर मैंने बात ही नहीं किया उसकी जीप आ रही है सर आने दे यही है सर हॉस्टल का सर्वे रोड नंबर ठीक है मगर हॉस्टल किधर है आज तक सब ऑफिसर हॉस्टल के नाम पर इधर ही आते हैं सर खाली जगह कोई सरोजनी हॉस्टल है ये लिखकर चले जाते हैं यहाँ तो कुछ नहीं है और तुम कह रहे हो कि हॉस्टल है जीप रोको ये क्या मजाक बना रखा है इतने दिन तक हॉस्टल बिना बनाए ही बन गया कह के मुझे धोखा दे रहे हो इज इट पॉसिबल आप अपनी आंखों से देख रहे हैं सर ए इधर आओ क्या है सरोजनी हॉस्टल किधर है दिखाई नहीं दे रहा है क्या ये वॉचमैन है ये वार्डन है मैं इंचार्ज हूँ शट अप मुझे तो नहीं दिख रहा तुम्हें कैसे दिख रहा है मंदिर का घंटा है क्या जो सबको दिखेगा है ये सिर्फ भक्तों को दिखाई देता है ये हॉस्टल सिर्फ हमारे मालिकों को दिखाई देता है कितनी मेहनत करके बनाया ये हॉस्टल हमारे मालिकों ने अरे देखिए तो सही हे हम सबको पागल समझा है क्या
असल में क्या हुआ है बताओ? असली है या नकली, सब एक ही कहानी है। यहाँ पर हॉस्टल है, यहाँ पर 2000 लोग रहते हैं, महीने में 3 लाख रुपए खर्च आता है, ऐसा लिखो। क्या बक रहा है? ए, क्या कर रहा है? चल छोड़। ए, हाथ हटा, हाथ हटा। क्या कर रहे हो सर? छोड़िए ना सर, प्लीज। जो बोला है ना वही लिख लेना। जो भी पूछना है उस वेंकट रत्नम से ही पूछूंगा। सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और ऐसे पूछ रहा है जैसे तुझे कुछ मालूम ही नहीं है। जो देखा वो सच है। सच में आप लोगों को हॉस्टल बनाना पड़ेगा, नहीं तो उस जगह को गवर्नमेंट को हैंडओवर करके अभी तक चीट करके जो कमाया वो 2 करोड़ वापस देकर अपनी गलती माननी चाहिए। थैंक्स। मेरी परमिशन के बिना तुम वहाँ पर देखने क्यों गए थे ये तो बोलो। वो मेरी ड्यूटी थी। तुम्हारी क्या ड्यूटी है? वो जगह देखने से पहले आकर मुझसे मिलना चाहिए, वो है तेरा असली ड्यूटी। रास्ते में आने वाले हर कमीने को देखने की जरूरत सिंसियर ऑफिसर को नहीं होती। ए, रुक जाओ। अरे ओ सिंसियर, मैंने उधर हॉस्टल नहीं बनाए और नहीं बनाऊंगा। कानून को इधर रखता हूँ और राज्याज्ञा को इस तरफ मेंटेन करता हूँ। तेरे जैसे ऑफिसर का हिसाब उधर पड़ा है, देता हूँ, लेके जा। तेरे जैसे लोग तो पूरे देश को ही फाइल में डाल देंगे। 24 घंटे में दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। पॉलिटिक्स सर, उसने अपने को कितना वक्त दिया? 24 घंटे का सर। उसका आधा कितना हुआ? 12 घंटा सर। उसको मैं इतना ही वक्त दे रहा हूँ रे बाबू। देखा ना विजय, किस तरह करंट जाने पर भी मैंने सारे रूम को सजाया। इंसान चाहे तो सारे दुनिया में उजाला दिखा सकता है सिवाय अपने मन के, लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है क्योंकि मेरे दिल को उजाला करने के लिए अशोक सेक्शन 80 प्रकार के सेक्शन क्या लगा रखा है? देखो तो इसे, आज दिवाली नहीं है फिर भी दिए जला रखे। मेरे डियर को अंधेरा से डर लगता है इसीलिए दिया जलाया। तुमको ऐसे ही छोड़ दिया ना तो कागज ही जलाओगे। पहले ये सेक्शन के बारे में गुरुजी को बताना पड़ेगा तो ये केस सुलझेगा गुरुजी। अरे अरे, बताना पड़ेगा। सुनना प्लीज। ठीक है, हम गुरुजी को ये बात नहीं बताएंगे, लेकिन तुम्हें भी एक बात बतानी पड़ेगी। कौन सा? उस दिन मेड फॉर इच अदर कॉम्पिटिशन में जीतने के बाद उन पैसों से घर का भाड़ा दिया कि नहीं बोलना पड़ेगा। उतना पैसा एक बार हाथ में आने के बाद उसको देखने का दिल हुआ? 5,000? इतना पैसा? बाद में खुश हो जाओ, वो मकान मालिक के आते ही पैसा उसके मुंह पे मार दो। थोड़ी देर देखने दीजिए। वो क्या है ना, पैसा मिलने से पहले देने के लिए सोचा, मिलने के बाद देने को दिल नहीं कर रहा है। ओ छोकरा, 9 बज गया, किधर है रे तू? फिर से ताला लगा के गया क्या? आज का दिन भाड़ा देगा ना मुझे मालूम है। लेकिन 2,500 नहीं, 5,000 देना मुझे। वो कैसे, दुगना बना दिया? वो पैसा तुमको कैसे मिला मुझे मालूम है। तुम दोनों मियां बीवी बन के 5,000 का इनाम पा लिए। ये बात उन लोगों को मालूम हुआ तो वो लोग तुम्हारी हड्डियां तोड़ेंगे, अंदर डालेंगे, इसीलिए बढ़ाकर भाड़ा दे दो। भाड़ा दूंगा तब ना, पहले से बढ़ाने को बोल रहे हो? नहीं देगा। वो छोड़ो, बोलो फिर। फंक्शन में छोटी चाची को लेके आए थे, बड़ी चाची को बोल दूं? बोलो। अरे छोकरा, देखा तूने, मुश्किल में पड़ गया। अरे हाँ, वो पान वाला दुकानदार का भाड़ा छोटी चाची को दिया ना। माफ कर दो, पैर पड़ता हूँ, उसको मत बोलना, मेरी चमड़ी से जूते बनाएगी वो। अरे माफ कर दो। अशोक बाबू, तुमने बुलाया था मुझे? अशोक बाबू, तुमने बुलाया था मुझे? अरे मौसी, आप कितनी दुबली हो गई हो। कल रात होटल में चाचा ने ये क्यों खींच के ले जा रहा है? बाबा बाबा बाबा, हाथ जोड़ता हूँ, मेरी इज्जत को मत उछालो। ठीक है, ये भाड़ा लो। अरे चाचा, छोटी चाची के बारे में बड़ी चाची को बताऊं तो? अरे बाबू, कल ही तो तूने साल भर का किराया दिया था, फिर से क्यों दे रहा है? रख लो। दिया था? हाँ। फिर मैंने कब दिया था भाड़ा? अरे दिया था, मैंने कह दिया। हाँ? ना रख लो। वो दुकानदार को भी देना था? देना है। हाँ? मैं देता हूँ ना। और कैंटीन वाले को? वो भी मैं देता हूँ। दोगे ना? हाँ, देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। फोटो किधर है? वो रहा है। अच्छी है ना? बहुत अच्छी है। सुनो, ये लड़की कौन है? एड्रेस मिस हो गया। कैसे मिस हो गया? इस लड़की का एड्रेस पता करो, शादी डिसाइड करूंगा। ओके, रैक को खींचो मत। बोलो हाँ या ना। देता हूँ। मैंने अपनी सर्विस में बहुत सारे चीटर्स को देखा है सर, हवा में महल दिखाकर हमको आंखें नहीं है कहने वाले को अभी मिल के आ रहा हूँ सर। उसके ऊपर एक्शन लीजिए सर। ये देखिए सर, उधर कोई बिल्डिंग नहीं बनाई, ये कॉर्पोरेशन वालों की रिपोर्ट है।
उस हॉस्टल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का नाम लिस्ट में नहीं है, ये उस बिल्डिंग को बनाने वाले लेबर्स की रिपोर्ट है। उस बिल्डिंग को इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं दिया, ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की रिपोर्ट है। उधर बिल्डिंग नहीं है, उसके लिए ये सबूत काफी है सर। ये लो। क्या है सर? तुमने वेंकट रत्नम से पैसा मांगा है और उसने नहीं दिया है, इसीलिए बाकी ऑफिसरों के साथ मिलकर ये सब कर रहे हो। इसकी जानकारी मिलते ही हमने तुम्हें नौकरी से निकालने का फैसला किया है। ये तो अन्याय है सर। सॉरी, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था। आई सी। मेरी नौकरी गई, मुझे इसकी चिंता नहीं सर, लेकिन इतना बड़ा झूठ सर। अब मैं क्या करूं? वो बोलिए। मैंने बहुत सारे लॉयर से बात की है सर, सब उसकी गलती बता रहे हैं सर, उसका गुनाह है। सब कहते हैं वो अन्याय करता है, मगर उसके अगेंस्ट केस फाइल कोई नहीं करता सर। ऐसे है तो ये कोर्ट क्यों और ये लॉ एंड ऑर्डर क्यों सर? ऐसे ही चार गुंडों को रखकर वो वेंकट रत्नम ही राज करेगा। आपकी समर्थता पर, सिंसियरिटी पर मुझे यकीन है, इसलिए इतनी दूर आया हूँ सर, एज ए लास्ट होप। कानून को सामर्थ्य नहीं चाहिए, कोई सिंसियरिटी नहीं चाहिए, सही सबूत चाहिए। अगर वो सबूत आपके पास है तो मैं किसी से नहीं डरता हूँ। इस केस से संबंधित पूरे सबूत डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है सर। देन वी आर फाइलिंग द केस। पूरे केस के बारे में जानते हो ना राघव? तुम इस केस को किस तरह डील करोगे? इस केस का निर्णय हम ऑलरेडी ले चुके हैं। क्या? हमसे पूछने से अच्छा है आप उससे ही पूछिए। मेरा भी यही निर्णय है। इससे क्या पूछना? उसके पास जाकर कहेगा कि तेरा एक एक पार्ट निकालता हूँ। अगर आप माने तो ही करेक्ट है, लेकिन आप नहीं मानेंगे, इसलिए दूसरा आइडिया है। क्या है? वो अनाथ बच्चों के लिए जो नहीं बना गया हॉस्टल टूट के गिर पड़ा है लिख के, 200 बच्चे मर चुके हैं लिख के, बगल के तीन और बिल्डिंग्स गिर गए हैं लिख के, उस वेंकट रत्नम के ऊपर केस डालेंगे। जो बिल्डिंग बना ही नहीं, वो टूट कैसे गया? नहीं बनी इसलिए टूट गई। पर हम उसके ऊपर किस सेक्शन के हिसाब से केस करेंगे? वेंकट रत्नम भी यही पूछेगा, पकड़ा जाएगा। टूटा नहीं है तो नहीं बनाया, मानना पड़ेगा। अभी बनाया है ऐसा बोल रहा था। तब टूट गया, मानना पड़ेगा। और मान गया तो? टूटा हुआ चीज के लिए फाइन भरना पड़ेगा। और नहीं टूटा ऐसा बोला तो? नहीं बनाया, मानना पड़ेगा। बनाया मतलब? टूट गया, मानना पड़ेगा। करेक्ट। पहले उन लोगों को नोटिस भेजिए, अशोक के आइडिया के लिए मछली की तरह तड़पेंगे। आप घबराइए मत सर, वो बहुत होशियार है, सब कुछ समझता है। उससे भी अच्छा पॉइंट मैंने सोच लिया है। मैं नहीं मानता हूँ, फिर भी बोलो। बहुत सिंपल है सर, हॉस्टल गिर गया है यही कह के नोटिस दिया है ना। हाँ तो हम लोग हॉस्टल को बनाया ही नहीं, इस बात को कबूल करेंगे? रोएगा वो। थैंक्स। उसके ऊपर हम जो 2 करोड़ खर्च किया है ना, वो भरना है, तब मैं रोऊंगा। समझ गया रे बाबू। बाप रे, बड़ी मुसीबत है, क्या करें? हाँ टूट गया यही मान लेते हैं, फिर तो गवर्नमेंट भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। अरे उल्टी सीधी धाराएं लगाकर 10 साल के लिए अंदर डाल देंगे। अरे तुझे लॉ की डिग्री किसने दिया है रे? जमीन तैयार रखें तो अच्छा है। अरे सर खा रहा है मेरी ये काले सर तू भी सर। हाँ बोलो। मैं ऑफिसर से वेलफेयर मिनिस्टर को बात करने के लिए कहूँ। बेटी किधर है? बेटी किधर है? अरे पेटी नहीं दिख रहा है रे बाबू। पेटी आपके हाथ में है ना जी? थैंक्स। मेरी पेटी मेरे हाथ में है, फिर भी मुझे कभी नहीं बताना, मैं देखूंगा। सुनो शुभ रायडू, उस वेलफेयर ऑफिसर की बात बाद में, इस पेटी को उस लॉयर के सामने खोलो, फिर मैं बताता हूँ। ये किस लिए? सरोज ने हॉस्टल के विषय में वेलफेयर ऑफिसर वेंकट रत्नम जी के ऊपर फाइल किया हुआ केस आप टेकअप कर रहे हैं सुना है। उस केस को आप टेकअप मत कीजिए सर। इडियट, केस टेकअप मत करो ये कहने वाला तू कौन होता है? वकील साहब हर जगह को कोर्ट समझकर बात नहीं करते, समझे? बकवास बंद करो। मुझे जो पसंद नहीं है उसको डिसाइड करना मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। आपकी हमारी कोई आपसी दुश्मनी नहीं है, ये कॉम्प्रोमाइज है। उस वेलफेयर ऑफिसर के बारे में हम लोग सोचेंगे, आप ये पैसा देख लो। शट अप रास्कल, गेट आउट। पैसे देकर हमें खरीदना चाहते हो? कोर्ट और लॉयर को हम तुम्हारे पैर के जूते नहीं हैं। इस काम के लिए मैं अभी तुम सब लोगों को अंदर कर सकता हूँ। सोच लीजिए। सर सोचना क्या है? सुनिए, आपको क्या जरूरत है जी? ऐसे बड़े लोगों से बात करने के लिए अपना अशोक है ना? मुझे जो बोलना था बोल दिया, जिसको जो बात करनी है कर ले। जिसको जो बात कहनी है कह सकते हो, समझे? क्या जी, पहले मुझसे बात करते तो आपका काम हो जाता था। हाँ वो बुड्ढा बहुत सुना रहा था। बच्चे लोग तुम सब उसको समझा के केस विड्रॉ कर लो। ये लो पैसे। कितना है? 2 लाख। हाँ 2 लाख है। अह
उसको मारा तो आपको क्या तकलीफ है सर? महाराज के घोड़े को गधे ने मारा तो वो महाराज को ही मारने के समान ही हुआ ना, वो मार मुझे लगी है। अरे ऐसे लकड़ी की तरह खड़े होकर क्या देख रहा है रे बाबू? तू साला सेक्रेटरी बहुत नसीब वाला है, 2 लाख के लिए 2 दिया तो 10 लाख देगा तो उसका डेड बॉडी आएगा ना, आएगा ना? जैसा आपने बोला वैसा ही किया इसलिए वो जिंदा है, अगर मैं डिसीजन लेता तो उसकी डेड बॉडी आती। हाथ हटा रे। थैंक्स, तेरे चमकते चाँद पे बाल नहीं अच्छा लगता। अरे ये फोन किसने बनाया रे बाबू? हेलो जॉर्ज हियर। सर एक मिनट सर। ठीक है। हाँ बोलो। हाँ हाँ हेलो, देखो लायर साहब, ये है मेरी कैपेसिटी। समझदारी से सोच लो। वही सोच रहा हूँ, कल कोर्ट में तेरे बारे में क्या करूँ वही सोच रहा हूँ। वही नहीं है तो उसका केस कैसे आगे बढ़ाओगे? अब इसमें कुछ भी नहीं रखा। आदमी नहीं है तो क्या, लेकिन उसके सारे सबूत मेरे पास हैं। उसको नहीं मार सकेगा तू। ज्यादा मत सोचो, केस से संबंधित सबूत और जो कुछ भी है मेरे पास भेज दो। ब्लैक कितना और व्हाइट कितना ये पूछ लो। अगर चालाकी करने की कोशिश की तो वेंकट रत्नम नाम है मेरा। ए, क्या बकवास कर रहा है? अरे ए, ध्यान से सुन। हा? तेरे जैसे लोग 1000 होंगे तो भी दुर्गा प्रसाद जी का कुछ नहीं कर सकते। तेरे धमकाने से डरने वाला यहाँ कोई नहीं है। तुझे कोर्ट में लाकर हाथ पैर बांध कर भरी बाजार में खींचते हुए ले जाऊंगा रास्कल। थैंक्स। बड़ी बात बोल रहा है, धमकी दे रहा है मुझे, हम सबको कुछ दिन के लिए मौका दिया है रे बाबू। तुझे कोर्ट में लाकर हाथ पैर बांध कर भरी बाजार में खींचते हुए ले जाऊंगा रास्कल। थैंक्स। सुनिए, वो लड़की कौन है पूछकर अशोक की शादी कर दे तो अच्छा रहेगा ना? तो बताए तब ना, मैंने कितना पूछा वो बताता ही नहीं। अरे बाप रे, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? शादी के बारे में ही पूछा है ना, मतलब नहीं पूछना था क्या? वो तो अच्छा है, शर्माता है, हम लोगों को ही पूछना पड़ेगा ना। मेरी माँ, अपना शॉपिंग का काम छोड़कर कोर्ट में आके बार रूम में मेरे सामने पूछकर इस साल उसे बुलवा दो, अगले साल तक मुहूर्त भी निकाल लेंगे। अगले साल में? आज 31 दिसंबर है ना, कल ही तो है नया साल। ओ माँ, मेरे एक जन्म को मुक्ति मिल गई। क्यों? अरे आप तो मजाक भी नहीं समझते। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे माँ भी आज कोर्ट में आई है आपके ऊपर केस डालने के लिए क्या? नहीं, तुम्हारे ऊपर केस डालने के लिए आई है। देखो, जिस कॉम्प्लेक्स में मर्डर हुआ है उसके फ्लैट नंबर 9 में एक सुंदर राजू नाम का आदमी है जो उस केस का आई विटनेस है, ऐसा पता चला है। तुम दोनों जाकर उसकी इंक्वायरी करो, कोई भी सबूत मिले तो उसे तुरंत कोर्ट में लेकर आ जाओ। ये फाइल सबमिट करने के बाद एक घंटे में आ जाना। जी, फ्लैट का आप मुझ पर छोड़ दीजिए, वो सब हम लोग संभाल लेंगे, लेकिन इंक्वायरी के लिए तो अशोक को आना ही पड़ेगा। ए, चलना। नहीं, उसे अपनी माँ से बात करनी है, तुम लोग यहाँ से जाओ। जाने दीजिए ना, खास काम से जाने के लिए बोल रहे हैं ना। अरे वहाँ से आने के बाद बात कर लेंगे ना, तुम जाओ बेटा। फ्लैट नंबर कितना चाचा जी? ए, उनको मार के मत लाना, फ्लैट नंबर 9। 9। क्या जी, अभी तक कोई भी गवाही के लिए नहीं आया, वो सुंदर राजा क्या अकेला गवाही देगा? तुम्हें क्या लगता है, कोई भी क्लू इतनी आसानी से मिल जाएगा? सुनिए वकील साहब, वो फाइल दीजिए सर। प्लीज दे दीजिए ना सर। कोर्ट पिंचर साहब को दे दूंगा, उनसे जाकर ले लेना तुम। ए, इधर दे। ए, ए, छीन रहे से। छोड़ो इन्हें। पकड़ो से। पकड़ो। पुलिस। चाचा जी, थैंक्स। न्यायवादी का कोर्ट के आंगन में इस तरह गिर पड़ना न्याय व्यवस्था के शर्मिंदा होने की बात है। इसके लिए न्यायालय से कोई न्याय नहीं मिला तो लोगों का यकीन उठ जाएगा, लोग धर्मशास्त्र पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरा केस न्यायालय में हारना नहीं, जीतना है तुम्हें। उस दिन तेरे गुरु जैसा मैं ना रहूं तो भी न्यायवादी के रूप में ही जीना, तुझको मुझे जिताना होगा। यस। ऑर्डर, ऑर्डर। मेरे अपनों को मारने वालों को उसी वक्त मार सकता था मैं, लेकिन न्याय विरुद्ध कुछ भी नहीं करूंगा ये दुर्गा प्रसाद जी को वचन दिया था। इसीलिए इस न्याय स्थान को मंदिर समझकर काला कोट पहनकर दोषी को सजा दीजिए, ये विनती लेकर आपके सामने खड़ा हूँ। प्लीज जो हुआ उसे एक बार सोचिए, ये सब किसने की आपको समझ में आएगा। मेरे समझने या ना समझने से कुछ भी नहीं होता है, अदालत गवाहों और सबूतों से चलती है, समझे? दुर्गा प्रसाद जी ने वेलफेयर ऑफिसर का केस लिया, ये बड़ा सबूत है। उसके लिए वेंकट रमन ने मार डाला, ये सच है। क्या सच है जी, रास्ते में जाने वाला कुछ भी बोल दिया तो सच हो गया क्या? मैं 10 लोगों के मुंह से यही बात सुनना चाहता हूँ। मैं एक संभ्रांत व्यक्ति हूँ, मेरे ऊपर ये इल्जाम क्यों? ये दुर्गा प्रसाद का केस मेरे ऊपर सरासर गलत है, मैंने कुछ भी नहीं किया इस केस में हुजूर। अजात शत्रु को यकीन क्यों नहीं हो रहा है रे बाबू? जो हुआ सब तूने करवाया, वो भी इतने लोगों के आंखों के सामने करवाया। किसी एक से कह के बुलवा दो, ठीक है, कहलवा दो, कहलवा दो। मुंह बंद करके क्यों बैठे हो, बोलिए, कम ऑन। मिस्टर अशोक, आप अपने गुस्से और हरकतों से कोर्ट को पागलखाना मत बनाइए। मैं आपसे साफ साफ पूछ रहा हूँ, यह हत्या वेंकट रत्नम ने की है, इसका आपके पास कोई सबूत है क्या? नहीं। इस हत्या का कोई चश्मदीद गवाह आपके पास है क्या? नहीं। आपने अपनी आंखों से वेंकट रत्नम को उन दोनों को उस दिन अपने हाथों से मारते हुए देखा था क्या? नहीं। जब आपके पास सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, तो आप किसी को कैसे दोषी ठहरा सकते हैं? इस हत्या का कारण क्या है हुजूर, मैं बताता हूँ। दुर्गा प्रसाद की बीवी और वेलफेयर ऑफिसर के बीच में हुजूर
यू बास्टर्ड। मिस्टर अशोक, ये कोर्ट है, कोई मारपीट करने वाला अखाड़ा नहीं है। इस तरह के व्यवहार के लिए अदालत आपको 2 महीने के लिए सस्पेंड करती है। नो, अपराधी आंखों के सामने है फिर भी सबूत नहीं है कहने वाले इस व्यर्थ न्यायालय को मैं खुद जिंदगी भर के लिए सस्पेंड कर रहा हूं। इसके लिए ये सब किताब क्यों? आप सब लोग क्यों? फेंकिए। Throw these bloody books, ban these books, ban these books. No law at all. No law. No law at all. Where is the law? Where is the law? There is no law at all. रुको, क्या हो गया तुम्हें? रुको, चलो बाहर। क्या हुआ? छोड़ो, छोड़ो। ऐसा क्यों कर रहे हो? नहीं, मैं कुछ नहीं मानता हूँ। सब कानून नहीं मानता हूँ मैं। लॉ नहीं मानता हूँ। कुछ नहीं मानता हूँ मैं। नहीं मानता हूँ मैं सब कुछ। छोड़ो मुझे। कानून हर गया, सच्चाई हर गया, सब कुछ हर गया। लोगों के लिए शर्मनाक चीज है। अशोक, छोड़ मुझे, छोड़। मैं कुछ नहीं मानता हूँ मैं। छोड़ मुझे, मैं कुछ नहीं मानता हूँ। सुनो, चुप रहो। मैं नहीं मानता हूँ लोग, मेरी बात नहीं मानता हूँ मैं। क्या कर रहे हो अशोक? मैं कानून। ऐसे क्या देख रहा है रे बाबू? अग्निजिगर, ऐसे हमारी तरफ देखा तो इसी कोर्ट के सामने दफना दूंगा। तू नहीं, तेरा बाप भी आएगा तो मेरा बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। सब कुछ हमने ही किया, तूने क्या किया? तेरे गुरु ने क्या किया? तू बेवकूफ बन गया और तेरा गुरु लाश बन गया। अरे पुलिस को कोई खबर करो जल्दी। भागो भागो, उधर से निकलो जल्दी। अरे साले, मैं तुझे अपने को अशोक को छोड़ दो। उसने कुछ नहीं किया, उसे कहां ले जा रहे हैं? अशोक ने कुछ नहीं किया, छोड़ दो, छोड़ दो, प्लीज रुक जाइए सर। अशोक को छोड़ दो सर, अशोक को छोड़ दो प्लीज। अशोक को मत लेके जाओ। अशोक रुको सर। कुत्ता फाड़ दिया साला, मगर हम लोगों ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। उसकी पुलिस स्टेशन में ऐसी धुलाई करेंगे कि मर जाएगा। अरे फोन लगा रे, मेरा बाबू को फोन लगा। अरे अशोक, कब तक ऐसे सोचते रहेगा? कितना भी दिन सोचना चाहिए। अशोक, तुम्हें देखकर तो मुझे डर लगने लगा है। हम लोग कहीं और चलते हैं, कुछ और काम करेंगे, फिर हमारा यहाँ रखा भी क्या है? हाँ, हेलो। मैं बोल रहा हूँ, मरते मरते जिंदा हो गया तू। मेरा दिल बहुत दुख रहा है, तेरे ऊपर तरस भी आ रहा है। ए, एक बात कहूँ, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तू चाहे कहीं भी चले जा, तुझे जिंदा नहीं जाने देंगे।
आकर वेंकट रत्नम जी के पैर पकड़ ले, उन्हें पसंद हो तो तुझे पैसे देंगे। ए, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। कल सुबह ही मैं सिंगापुर जा रहा हूँ, फिर नहीं आऊंगा। एक दिन तूने अपने घर के अंदर मारा, मैंने तुझे और तेरे परिवार को मारा। आखिरी बार ये बात बोलने के लिए ही मैंने फोन किया। चीयर। विष्णु चक्र जैसी आंख, लंबा सा नाक, एक बार हंसेगा ना तो सारी लड़कियां आके सामने गिर पड़ेंगी। अरे अरे, मेरा फोटो आपने क्यों निकाला? मैंने नहीं निकाला, रात को यही देखते देखते तुम सीने से लगा के सो गई थी। तुम्हारे सोने के बाद ये लड़का नीचे गिर गया था। इतना सुंदर लड़का है, जल्दी से फूल बना के चोटी में लगा लो, नहीं किसी दूसरी लड़की की नजर पड़ी तो इसे उड़ा ले जाएगी। हाँ, किस लड़की की तरफ देखेगा? सारे हो दिल ये कहीं तेरे बिना लगता नहीं रे हो, ऐसा कैसे हुआ जाने ना दिल ये मेरा, पूछू तुझसे मुझको ऐसा हुआ क्या। सुन सा तेरे मेरा भी है।
सुनो, एक दिन बनोगी मेरी बनो। मैं तो बस तेरी हूँ, चाहे दिल कर देखूं, तेरे लिए जान भी दे दूं। तेरे आगे पीछे दिल ये मेरा है भागे, मेरा जीवन तेरा जीवन जैसा ही लागे। मैं हूँ तेरे लिए, तू है मेरे लिए, जाने रात मेरी जागा और तड़पा के साथ। सुन सा तेरे मुझे प्यार हुआ हुआ के सारे। स्टेशन मास्टर, सिग्नल वाला, इंजन ड्राइवर सब प्लेटफॉर्म पर आकर चिल्ला रहा है, तेरे लिए ट्रेन का चैन खींच कर रोका है, तेरा स्टेशन आ गया, उतरो। चलती हूँ, बाय। क्या बोलती है ये? चल, ये क्या था कैलेंडर? हमको पुलिस स्टेशन में डाल दे, इतनी हिम्मत आ गई क्या पुलिस वालों को? ए, सुन रे, हमारे सेठ को फोन लगा, 2323 कितना रहे? 23। आजकल पुलिस स्टेशन को अपना गेस्ट हाउस समझा है क्या? अब से इधर के लोगों के लिए दो ही जगह है, कानून के हिसाब से है तो बाहर, गलती की तो सेल के अंदर। माइंड इट। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ हेड कांस्टेबल रामायण। सच बोले तो मैडम, आपके आने के बाद इस पुलिस स्टेशन में सभी लोगों को होश आ गया है। मैं भी एक कांस्टेबल हूँ, मुझे यकीन हो गया। मतलब इस बात के लिए आपको पहले यकीन नहीं था? वो तो था जी, इससे पहले भी बड़े बड़े लोगों के पास जाना छोड़कर छोटे छोटे केस पकड़ना चालू किया था। पत्ते खेलने वाले होते हैं ना, पत्ते खेलने वाले, उनको पकड़ता था जी। विजयवाड़ा से लेकर साकीनाका तक ट्रांसफर कर डाला जी। उधर साइकिल वाले को पकड़ा था जी, साकीनाका से नागपाड़ा मेरा ट्रांसफर कर डाला जी। हर बार ऐसे ही ट्रांसफर होते रहा तो मेरी जिंदगी का क्या होगा, इसीलिए मैंने कोई केस ही नहीं पकड़ा। इंस्पेक्टर जी का हाथ पकड़ा था मैंने, हाथ पकड़ा था, इसीलिए मुझे इधर लाके डाल दिया। उसके बाद टोपी को उतार कर रख दिया और तनख्वाह लेते लेते ऐसे ही पेट पाल रहा हूँ। मतलब आपकी आंखों के सामने जो भी हो आप नहीं देखेंगे? मेरे सामने कुछ भी हुआ तो रोकूंगा क्या, पीछे मुड़ जाता हूँ। पीछे? आदत सी हो गई है मैडम। देखिए, हम लोग जिएंगे तो पुलिस वालों जैसे जिएंगे, मरेंगे तो पुलिस वालों जैसे मरेंगे। तनख्वाह के लिए जीना है तो इस समाज में बहुत सारा काम है। आज से आप सब लोगों को स्ट्रिक्ट रहना है। किसी के ऊपर शक आया तो वो कितना भी बड़ा आदमी हो, उसको सेल में डाल दीजिए। बाद की बात मैं देख लूंगी। अरे आरटीसी बस क्यों नहीं रुकता रे? कितनी देर से कह रहा हूँ मैं, रुक जा। अरे ये ट्रैफिक रुकता क्यों नहीं रे बाबू? सर, हाँ? कल सुबह से ऊपर चढ़े हैं, अभी नीचे उतरो साहब, 15 बोतल भी खत्म कर दिए। मैं ऊपर क्यों चढ़ा था? अशोक के डर से सर। थोड़ा नीचे आना। यस सर। थैंक्स। उससे कौन डरता है, वो तो मेरे कुर्ते में बटन के जैसा है। कितना भी पियो नहीं चढ़ता रे बाबू। क्या बोला रे? मैंने कुछ नहीं बोला सर। तो कुछ बोलेगा भी तो भी मैं नहीं सुनूंगा, मैं ऊपर ही चढ़ूंगा, उसका हाथ ना पहुंचे
इसके लिए ऊपर ही ऊपर चढ़ता जाऊंगा मैं। ऊपर जाने के बाद उसको कैसे खत्म करूं ये सोचूंगा मैं, देख लेना। अपने पैरों के नीचे दबा कर। अरे ये यहाँ बोल, कैसे मरेगा? नीचे गिरकर सिर फटने से मरेगा या इन हाथों से गला दबाकर सांस घोंट कर मारू, नहीं तो टुकड़ा टुकड़ा करके चारों ओर डालने के लिए कहेगा। तेरे पसंद की मौत मारूंगा, तेरे को जो पसंद है बोल। मरना मारना छोड़ो, तुमको जितना चाहिए ले लो, मुझे पसंद हो ना पसंद हो सब दे दूंगा। अरे ये छत का सीन मुझे डरा रहा है रे बाबू। किधर है सर? हाँ बोलो, क्या हुआ था सर? वो अशोक ने मुझे छत के ऊपर से, अरे तू तो पास में था फिर उसे टोका क्यों नहीं रे? Only your imagination सर। उसको हिंदी में बोलने को बोल, आपको सपना आया होगा सर। थैंक्स। क्या बात है रे, स्टेशन में बादल छाए हुए हैं, पीछे से नारद जी भी आ रहे होंगे। 286 ठीक, पुलिस वाला होकर स्टेशन में सिगरेट पी रहे हो? पुलिस कोई काम स्टेशन में करे तो अच्छा है, कोई भी काम करेगा सेल में करे तो और भी अच्छा। घर से मंदिर सुरक्षा है कुछ लोगों के लिए, मंदिर से स्टेशन सुरक्षा है बाकी लोगों को। वाह वाह, कैसा कहा मैंने? अभी मालूम हुआ आत्रेय जी क्यों मर गए। तुमको तो ये क्या मुंह के अंदर टेंट बनाया है? जाओ तुम लोग। कांस्टेबल। यस सर। तुम्हारी उम्र के लोगों को ये काम शोभा देता है क्या? उम्र? मेरा उम्र कितना? जस्ट 24 सर। 25 24 राम जी। यस मैडम। 24 किस बात का झगड़ा है? कुछ भी नहीं मैडम, श्रीकाकुलम से इस कांस्टेबल का ट्रांसफर होकर आज ही इधर आया है। आते ही इस उम्र में झूठ बोल रहा है। 24 25 25 25। क्या राम जी, आपको इसका उम्र कैसे मालूम? इसका जन्म 1 अप्रैल 1965 को हुआ है, उस दिन सभी लोगों ने मुझे बताया था। क्या 1 अप्रैल है ना, तुमको बच्चा नहीं फूल पैदा हुआ है, ऐसा कहकर सबने रुलाया था। मतलब ये मेरा बेटा है। हेलो सर, अभी आ रही हूँ सर। आइए मिस विजया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग, बैठिए। नहीं ऐसे ही ठीक है। कुछ लेंगे आप, चाय या कॉफी? नो थैंक्स। मिस विजया, मैं कभी भी बड़े केस किसी को नहीं देता हूँ, उन्हें मैं खुद देखता हूँ। ऐसा नहीं है कि उन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं है, उनके काम करने का तरीका मुझे पसंद नहीं था, लेकिन तुम पर मैं विश्वास कर सकता हूँ, इसलिए तुम्हें बुलाया है। मैं एक इम्पोर्टेंट केस तुम्हें सौंपता हूँ। थैंक यू सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट। इस साल 27 मार्च को कोठारी कॉम्प्लेक्स में एक हत्या हुई थी, हत्यारे का अभी तक कोई पता नहीं चला, लेकिन इस मर्डर को लेकर हम एक आदमी पर शक कर रहे हैं, हम लोग उसकी तलाश कर रहे हैं। पता नहीं वो असली कातिल है भी या नहीं, पर फिर भी हम उसे ढूंढ रहे हैं। इफ यू डोंट माइंड, आप उसी पर क्यों शक कर रहे हैं सर? बैठो। हत्या से पहले दोनों वर्गों के बीच झगड़ा हुआ था, इसलिए जिस आदमी की हत्या हुई है उसके पक्ष के सभी लोगों को सुरक्षा देनी पड़ी। बात कोई भी हो, शक से डिसाइड करने से अच्छा है सबूत लेके उनके बारे में सोचना। सही कहा, उन सभी सबूतों का पता करने के लिए, सच्चाई क्या है ये जानने के लिए, ये केस मैं तुम्हें देता हूँ। 287 ये लो, ये फाइल लो। इस फाइल में उसके घर का नंबर, गाड़ी का नंबर, उसके बारे में एक एक चीज इस फाइल में लिखी हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि इस केस में जीत तुम्हारी होगी। अशोक, लॉ पढ़ने वाला स्टूडेंट होकर ये मारपीट, अरेस्ट, बेल, लॉ पढ़ते पढ़ते 3 साल में 30 लोगों को मारा। जब कोई गलत करता है तभी मैं मारता हूँ, इतने सालों में तुम्हें पता नहीं चला? तो पहले तुमने लॉ क्यों पढ़ा? पुराने जमाने की बात है, अभी का जमाने में कैसे चलेगा बोलो। तुम भी पुलिस ट्रेनिंग के लिए जा रही हो, कल अफसर बनोगी। किताब के रूल के हिसाब से सबको चोर समझ कर अरेस्ट मत करना, जो नहीं दिखता उसके बारे में सोचो।
राम जी? यस मैडम। मार्च 27 के दिन कोटरी कॉम्प्लेक्स में एक मर्डर हुआ है ना? जी हाँ मैडम। उसके बारे में आपको कुछ मालूम है? मर गया मालूम है, मार डाला मालूम है। जो मर गया वो अच्छा ही हुआ, लोगों से सुना इसीलिए जानकारी नहीं ली। श्याम जी? यस मैडम। हम लोग अभी कोटरी कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स में वेंकट रत्नम फाइनेंस चैम्बर कौन से फ्लोर में है? फोर्थ फ्लोर मैडम। श्याम जी फाइल, तुम इधर ही खड़े रहो। हाँ ठीक है। मर्डर होने के बाद गए तो क्या मिलेगा, पहले होते तो मैं हेल्प करता, एकदम मारा तो धूल उठेगा। आइडिया कैसा है मेरा लिरिक? असल में मर्डर यही किया क्या, नहीं तो मैं क्या? बस भी करो, हम नहीं गए तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, गुदगुदी हो रही है। गुदगुदी हो रही है, जालिम लोशन लगाना जरा। मैं खुश जादू सर। तू कौन है? आप सिगरेट बहुत अच्छे पीते हैं सर। आ? मैं हमेशा ऐसे ही हूँ, मेरे सिगरेट पीने से बादलों से बरसात होती है। मेरा काम हो गया सर, मैं निकलता हूँ। काम हो गया ना? कौन सा काम, ये कैसा लिरिक? क्या काम हो गया? चाहे तो दे देता हूँ सर। पुलिस को देखा तो पैसा देता है? इस बिल्डिंग में मर्डर हुआ है तुम्हें मालूम है क्या? छोटे बच्चे मत बनो, उसी केस के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं पुलिस हूँ, किसी को बताना मत। ये वर्दी क्यों पहनी है सर? पहना हुआ है तो बताएगा क्या, सबको बताएगा? सिगरेट है? मैं पीता नहीं सर। किसी को कहेगा तो नहीं? जाओ जाओ। सर कौन है इधर? तुम कौन हो? पार्किंग बिल नंबर 2 भरना है। पुलिस जीप के लिए पार्किंग बिल? अंदर डाल दूंगा, खबरदार। भरना ही है, जरूरी है, हमको नोटिस आया तो क्या आप भरोगे? जोर से पूछ रहा है, भरता हूँ। काम हो गया, इसका मतलब ये था। पार्किंग बिल नहीं भरता हूँ। क्यों? पर्स गया, अपना भी पर्स देख लो। जब पर्स ही नहीं है तो दूंगा कहाँ से, मुझे परेशान कर रहे हो। मेरे पास पर्स नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से पैसे दूँ? और मैंने जान पाया कि तू मेरे को पार्किंग बिल मैडम तो भर देना चाहिए था ना। पुलिस स्टेशन रह गया। अच्छा नहीं है, कितना? 5 रुपए। इधर कोई भी गाड़ी पार्क किया तो चालान लिखते हैं क्या? जी हाँ मैडम, ओनर की गाड़ी के अलावा सभी का बिल लगता है। सुनो जी, मार्च 27 के दिन एक मर्डर हुआ था ना? हाँ मैडम। उस दिन की गाड़ियों का डुप्लीकेट लिस्ट लाके मुझे दो। हाँ क्यों? Do it। मेजर माइकल साहब, बटालियन रिपोर्ट रेडी। मिस्टर चिंटू, मेरे पैर नहीं है इसलिए मैं एक जगह पर बैठा हुआ हूँ, मुझे रोज रोज मेजर कह के मत पुकारो, मेरा दिल दुखता है। नो। क्यों दादाजी, आपने युद्ध किया ना, द ग्रेट मेजर माइकल साहब कहलाया ना। युद्ध में जीत गया मगर जिंदगी से हार गया, तुम बिना माँ बाप के बच्चे थे इसलिए तुम्हें देखना था, उल्टे आज मैं तुम्हारी कमाई खा रहा हूँ। ऐसा मत सोचिए दादाजी, कल आपका ऑपरेशन होगा, आपका पैर ठीक हो जाएगा, तब मैं कितने आराम से खेलूंगा मालूम है, तब आपको ही मुझे देखना होगा। हाँ लो दादाजी, आपके लिए ब्रेड, चिकन बिरयानी और आपके लिए दवा। दादाजी आपके ऑपरेशन के लिए मैंने 9,000 रुपए कमाए हैं। अरे तुमको इस फैंसी शॉप वाले महीने में 100 रुपया देते हैं, बाकी का पैसा तुम कहाँ से लाते हो? वो दादाजी एक काम करें तो कैसे चलेगा, बहुत सारे पार्ट टाइम जॉब्स हैं। लक्ष्मी बाजार में टेलरिंग, लकड़ा बाजार में लोडिंग, मैन बाजार में अनलोडिंग, जिधर भी काम मिलता है वहाँ पे काम करता हूँ दादाजी। हाँ मालूम है। मिस्टर अशोक, ऑटो वाली है? गुड मॉर्निंग, मुझे मिस्टर अशोक से बात करनी है ना। बाहर गया है? बस आता ही होगा। आइए आइए, प्लीज कम इन। आइए, हम और अशोक साथ साथ ही रहते हैं। आपके बारे में हमेशा बातें करता है। हाँ, वो भाड़े का घर, वो मकान मालिक, वो आपका ताला खोलना, वो आपका खाना खिलाना, भाड़ा नहीं देना, आपके अकाउंट के बारे में सब कुछ बताया। रात को हमेशा आपकी ही बातें करता है। एक मिनट देखिए, ये अशोक की किताब है, एक बार देखिए तो। 125वां पेज खुलकर देखिए। विजय, विजय कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ, तुम कब आई हो? मैं आके
विजया बनके ही मिलने के लिए सोचा था, मगर आज इंस्पेक्टर विजया बनके मिलना पड़ा। मैं इसीलिए आई हूँ यहाँ। इंस्पेक्टर साहिबा को मुझसे क्या काम? गुनहगार से ही तो है हमारा काम। गुनहगार समझ के मत आना, पूरा मालूम करके आना। वही पता करने आई। आप चाहेंगे तो पता नहीं चलेगा, मैं बोलूंगा तो पता चलेगा। हिम्मत है तो बताइए। दोस्त पूछ रही है या कोई इंस्पेक्टर पूछ रही है? दोस्त जैसा पूछे तो। अगर एक दोस्त पूछेगी तो सब कुछ मैं बता दूंगा जो जानता हूँ, सब कुछ। इंस्पेक्टर के जैसा पूछ रही है तो मैं कहूँगा पहले सबूत लेके आना। सबूत के साथ ही आई। मार्च 27 के दिन मर्डर हुआ था कोटरी कॉम्प्लेक्स के सामने, उसी वक्त पर आपका मोटरसाइकिल भी पार्क किया हुआ था, इसका पार्किंग बिल है। हाँ हाँ, उसी दिन मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया था और पुलिस स्टेशन में इसका कंप्लेंट भी लिखा हुआ है, देख लीजिए। हाँ। अशोक, डीआईजी ने मुझे जब फाइल किया उस फाइल में तुम्हारे बारे में देखते ही मैंने सोचा कि तुम गुनहगार नहीं हो सकते। तुम्हारे खिलाफ सबूत मिला तभी वो झूठ है, ये सोच के इस घर में कदम रखा था। लेकिन तुम इतने प्लान्ड हो, तो पक्का तुम ही गुनहगार हो, इसका मुझे यकीन है। तुम्हारा यकीन सच है? वेंकट रत्नम के आदमी को मैंने ही मारा था, इन्हीं हाथों से मारा था। लेकिन क्यों मारा था? गलती करने वालों को सजा देना जरूरी है, उसके लिए न्यायालय है ना? मेरे नजर में कोई न्यायालय नहीं। अभी तुम्हारे बोले हुए बात पर तुम्हें अरेस्ट कर सकती हूँ, पता है तुम्हें? आप इंस्पेक्टर है तो मैं लॉयर हूँ, ये बात भूल गई है आप? मैंने जो कुछ भी बोला आप उस बात को अदालत में प्रूफ नहीं कर सकते। आखिर तुम कब तक ऐसा करोगे? मेरे अदालत में जब तक उन सबको सजा नहीं मिलती है तब तक, समझ गई? मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुमको जो मिले उनको सजा दिलाने का हक तुमको है, मगर मेरे हाथ में जो आएगा उसे बचाना तुम्हारे बस में नहीं। एक दिन तुम्हारे हाथों में हथकड़ी लगाकर तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगी। पुरातन काल से लेकर आज तक आंखों में पट्टी बांधकर सजा सुनाती आई है ये अदालत। अदालत के सामने ही न्याय को कुचल डाला तो क्या किया है इस कोर्ट ने? उसी अदालत में खड़ा होकर जब मैं इंसाफ के लिए चिल्लाता रहा तब कोई जवाब नहीं दे पाई ये अदालत, और मुझे ही गुनहगार करार किया। मेरे नजर में ये अदालत दोषी है। समय मिलने पर पता चलेगा कौन दोषी है। कुछ ही दिनों में एक और हत्या करने वाला हूँ, उसका समय बस नजदीकी है। मेरे काम में मैं कभी नहीं हारूंगी। अधर्म का विनाश करने के लिए मैं भी नहीं हारूंगा। चैलेंज। आपको रोज ऐसी ही दौड़ लगानी चाहिए सर, डेली ऐसा करने से आप कितने स्मार्ट दिख रहे हैं सर। सच में मैं इतना अच्छा दिखता हूँ क्या? आपकी स्मार्टनेस आपको नहीं मालूम सर। सर एक बार ऐसा कीजिए, ऐसा आकाश में देखिए, आकाश नीला है ना सर? हाँ सच में नीला है। तो फिर जमीन को देखते हुए दौड़िए सर। सर, सर सर आपका पर्स गिर गया था, देखे आओ। ओ, शुक्रिया दोस्त, मेरा पेट थोड़ा कम हुआ। जाइए। क्या सर, मेरे पेट पे मार इतना दिया? छोटी उम्र में ये सब करता है? ये सब काम उम्र नहीं करती सर, भूख। इतने छोटे छोटे हाथों में एक जिंदगी पड़ी है सर जी। मैं भी बहुत जगह मेहनत करता हूँ सर जी। एक दिन एक ऑनर का बेटा चोरी करते हुए पकड़ा गया, उस चोरी का इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया और मुझे बहुत मारा। मुझे मत मारो ये कहकर मैंने उनके पैर भी पकड़े सर, लेकिन वो मुझे मारते हुए बाहर तक ले गए सर। सब लोगों ने मुझे चोर चोर कहा सर, तब से यही काम अच्छा लगा सर। असल में गलती कौन नहीं करता सर, आपसे भी कभी ना कभी कोई गलती हुई होगी सर। मैं जो करता हूँ वो आपको गलत लगता होगा, आप जो करते हैं वो मुझे गलत लगता है सर, लेकिन जो करते हैं उनके लिए वही सही है सर। चलता हूँ सर। जॉर्ज कहाँ? हमको नहीं मालूम, बड़े साहब ऊपर है सर। उनको मालूम है। फिर से सपने में आया, थैंक्स। मैं नहीं डरने वाला, मुझे सब मालूम है। जॉर्ज आज मेरे हाथों से मरने वाला है। आहा, मार लो, ये तो सपना है। एक को बिना बताए मारा था, दूसरे को तुमको बता के मार रहा हूँ। तुमको जो करना है कर लो। सपना, ये सपना। उसको अंडरग्राउंड में रखा है मैंने, वो भी स्काईलैंड क्लब में। जो करना है जाके कर, चैलेंज करके बता रहा हूँ। उसको तुम कुछ भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये सपना है ना, सपना है ना रे बाबू। सपना सपने में मारे तो खून कहाँ से?
सर सर ये सपना नहीं है सर, ये सच है। वो मेरी आंखों के सामने आकर आपको मार के चला गया सर। क्या भक रहे हो? थैंक्स। सपना क्या है, सच क्या है पता ही नहीं चल रहा है। अरे क्या करूं मैं बाबू। सपना समझ के बिना पूछे ही जॉर्ज का एड्रेस बता दिया। खत्म खत्म हो गया, गया काम से। हेलो जॉर्ज, वो अशोक तेरे पास ही आ रहा है तुझे मारने के लिए, थोड़ा होशियार रहना। डोंट वरी, नहीं आया तो बच जाएगा पर आया तो जरूर मरेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैडम इधर रोड के ऊपर झगड़ा हो रहा है, अशोक किसी का पीछा कर रहा है, ओवर। चाहे कुछ भी हो जाए उसी का पीछा करो, ओवर। Don't move. कैसा है मेरा लिरिक? अरे अच्छा तो तुम हो, दूसरे का गया तो पुलिस को बताते हैं, मेरा गया तो किसको बताऊंगा मैं? क्यों मेरे पीछे पड़ा है भाई? दूसरे लोगों की जेब काटता हूँ तो आपके पैर पकड़ने पड़ते हैं, इसलिए मैंने सोचा जब आपके ही पैर पकड़ने हैं तो आप ही के जेब काट लेता हूँ, तो आप मुझे छोड़ देंगे ना? मैडम आ रही है, तुम निकल जाओ। हाँ। जाओ। नमस्ते मैडम। कहाँ है वो? अशोक। वो ऊपर गया है। किधर से? इधर से ही गया है मैडम, सच कह रहा हूँ मैं। मेरे हाथ में जो पिस्तल था वो ओरिजिनल था, मगर बुलेट्स डैमेज। आपका कोर्ट एक गुनेगार को सजा दिया तो पनिशमेंट, और हम किसी गुंडे को मारे तो वो क्राइम। हमारे हाथों से मारा गया तो वो गलत, और आपका हाथों से मारा गया तो कर्तव्य। इसीलिए कानून का इस बुलेट को इस्तेमाल किया उसे मारने के लिए। मैं मरने का नाटक किया था, मेरे जिंदगी में हो या नहीं पता नहीं, मगर मेरे गुस्से में भाग लिया। थैंक्स। No. मैं तुम्हारी कोई भी सफाई सुनने वाला नहीं हूँ। उसको मारना तुम्हारी गलती थी, जल्दबाजी थी, इसे तुम्हें मानना होगा। यस। नो सर, जरूरी समझा था इसलिए मारा। जो मन में आया वो करना तुम्हारी ड्यूटी नहीं है। मेरी इजाजत लेना भी तुम्हारी ड्यूटी नहीं है क्या?
अपनी मर्जी से निर्णय लेकर जिसे चाहो उसे मार दोगी तो पब्लिक के सामने पुलिस डिपार्टमेंट के सारे लोग गुंडे कहलाएंगे। सॉरी सर, अपने डिपार्टमेंट को नीचा करने के लिए नहीं मारा था। उस समय मुझे जो ठीक लगा वही मैंने किया। मिस विजया, एक समय था जब मैं तुम्हारे धैर्य की प्रशंसा किया करता था, पर मुझे पता नहीं था कि तुम अपना फर्ज भूलकर ऐसा काम करोगे। आज के बाद मेरी परमिशन के बिना तुम कोई भी काम नहीं करोगी, समझ गई? विजय, इधर क्यों आए हो? फिर से तुम्हारा क्रिमिनल माइंड मेरे हाथों से एक और हत्या करवाना चाहता है क्या? अशोक, तुमने बड़ा काम किया ऐसा समझ रहे हो क्या? गलत काम ज्यादा दिन नहीं चलता। ये सब बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, पुरानी बात। आखिर न्याय ही जीतेगा। तो मैं ही जीतूंगा। अशोक, विजय, मेरे गुनाह और गुस्से को भुलाकर उस भाड़े के घर में रहने वाला जो तुमसे पैसा लेता था, वो अशोक बनकर तुमसे मिलने आया है। आज जुलाई का 5th है। क्यों, आज एक और मर्डर करूंगा ऐसा कहने के लिए आए हो क्या? नहीं, जन्मदिन की मुबारकबाद देने आया हूँ। ये सब क्या है, इतना बड़ा केक? ये केक नहीं है, मेरे दिल के प्यार को पीस कर बनाया हुआ चीज है। बहुत मुश्किल से बनाया है इस केक को मोहम्मद शेकू। ये लो चाकू और इंतजार मत कराओ, बाजू वाले से मांग के लाया ये गुलाब। इतनी मुश्किल से मेरा बर्थडे मनाना है क्या अशोक? प्यार के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता है जान। बातें बातें छोड़ो, मत करो ब्रेक, जल्दी से काटो मेरी जान ये केक। सावन की तरह तुझसे हरियाली, तू है सावन की तरह। तू मेरी आहों में, दिल की हर सांसों में रहता है धड़कन की तरह, दिल के गोशे में रहता है धड़कन की तरह। तुझसे तो खिलता है जीवन मेरा जैसे कोई फूल खिले। तुझसे दिल में मेरे उजाला ऐसे बसता जैसे उसमें रोशन हो सैकड़ों दिए। निगाहों से मेरी तो हटती नहीं, कुछ समझ न पाऊं कि मैं क्या करूं। मेरी जा तेरी जा बनी रे बाबा, तेरी जा मेरी जा करे
हाथों का कंगना है, तुझसे श्रृंगार है मेरा। सुन ओ सजना, तुझसे श्रृंगार है मेरा। तू मेरा सपना है, तू ही तो अपना है, तू ही है प्यार मेरा। सुन मेरी सजनी, तू ही है प्यार मेरा। तुझे से मुझ में है रौनक रहती, तुझसे मेरा रंग सजे। देख के तुझको छाए घटाए जैसे मदिरा, पीके आए बरसे वैसे मैं भी करूं। बिन तेरे मेरा जीना कोई जीना नहीं, तू नहीं तो लगे मैं जी मरूं। मेरी जा तेरी जा बंगर बाबा, तेरी जा मेरी जा कर रब्बा। मुझे तेरा प्यार मिल जाए तो सारा संसार मिल जाए। तेरी तस्वीर दिल में बसा लो बसा के, जहां की निगाहों से दूर रख दूं। डांस ऑफ द डे। थैंक्स। कृष्णा मंदिर में जैसे बॉम्ब को उड़ाया वैसे ही आदमी को उड़ा दिया। अपनी जायदाद बीवियों के नाम लिख करके तैयार रहना, अगला टाइम अपना ही है रे बाबू। जैसे पक्षी को उड़ाया जाता है वैसे ही अपने को उड़ाएगा, वो भी पब्लिक में। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबा। क्या है रे छोटू? बहुत भूख लगी है साहब, कुछ खाने को दे दो। चलो दोनों मिलके मांगेंगे। अरे बाप रे, अरे थैंक्स। नहीं होता, असल में वो क्या कर रहा है अभी पूछना होगा। डाटा भी तो भी चलेगा, लेकिन पता तो करना पड़ेगा ना। देखो वीरा बाबू, अब तो तुम अपना इस्तीफा दे दो। फॉर व्हाट? उसको हिंदी में बोलो। किस लिए? वो अपने आदमियों को मार रहा है और तुम्हारे डिपार्टमेंट वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। वो काम उसने किया, कल तुम्हारी हाथों से मुझे भी मरवाएगा। तब भी उसका ही काम करके बोलोगे क्या? बताओ ना रे बाबू। मिस्टर वेंकट रत्नम, आप एक महीने जाकर हॉस्पिटल में रहिए, अपना बीपी और नर्वस सिस्टम चेक करवाइए। जो होना है उसके बारे में क्या सोचूं? अब मैं और क्या कर सकता हूँ बोलो। ऊपर एक और वाइफ है, उसके बारे में सोचना है। कौन है? आई एम वोरा बापू गौड़ा, मेरठ बेंगलोर। उस सरोजनी हॉस्टल का क्या हुआ जो तुमने बनवाया था? बड़ा आया है पूछने वाला, साल हो गया उसे होकर, अभी क्यों? इसकी जरूरत नहीं है, इंग्लिश में समझा के भेज दो उसे। ये पॉइंट क्या है रे बापू? आप जाइए। नहीं तो रुकेंगे क्या? मैं डीआईजी प्रकाश राव डायरेक्टली, वेंकट रत्नम पार्टनर इनडायरेक्टली। जी आप किसी भी भाषा में बात करो चलेगा। बात कीजिए। बेंगलोर में गिरी हुई बिल्डिंग को कॉरपोरेशन में माफ करने के लिए आपने बताई हुई रकम नहीं दी, तो अब 20 लाख रुपए देना है। नहीं तो उस बिल्डिंग के पूरे कागजात मेरे पास हैं, फिर से कहानी शुरू हो जाएगी। ठीक है, किसी को शक नहीं होगा, मैं आपके आने की खुशी में होटल सोडा में एक पार्टी रखता हूँ, वहीं मैं तुम्हें बाकी के पैसे दे दूंगा। तुम सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आना। धोखा दिया तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, समझे? आपका पैसा आपको देने में क्या झगड़ा? आइए कुछ मजा करते हैं। प्लीज अरेंज जमाने। बिल्कुल। क्या 20 लाख? 20 लाख नहीं है। शट अप। ठीक है, हम उसे अब मना नहीं कर सकते हैं। तुम जल्दी से पैसों का इंतजाम करो, ठीक है? थैंक्स। सुना है बेंगलोर के मेयर को वो लोग पार्टी दे रहे हैं, डीआईजी उसमें चीफ गेस्ट बनकर आ रहा है, और मुझे पूरा यकीन है कि सबके सब मिलकर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करने वाले हैं। उस वेंकट रत्नम का डीआईजी से क्या संबंध है? हाँ शो, अभी इसी बात का पता करना। होटल सोडा? नहीं, साथ 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 नो, मेरी बात सुनिए। बिल्कुल नहीं, साथ 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 साथ। तुमने 20 कहा ना, मैंने ज्यादा कम करने के लिए नहीं बोला। नहीं होगा, मैंने कह दिया ना। होटल में वाटरफॉल रखा है करे बाबू। यह हम दोनों के बीच की बात है, ये बात वीरा बाबू को नहीं मालूम होनी चाहिए। बिल्डिंग फिर से नहीं गिरेगी क्या? आप मांगोगे नहीं, मैं दूंगा नहीं क्या? नहीं। अच्छा तो फिर 5 कम करो। बिल्कुल नहीं। सर आपको आने के लिए कह रहे हैं। चलिए चलते हैं। आपको नहीं, उनको अकेले बुलाया है। चलिए कुछ बात करते हैं। जाइए, अच्छा पीजिएगा। अपनी किस्मत में तो यही ठर्रा ही लिखा है। सर विस्की लाऊं? थैंक्स, सादा पानी ले आओ। है?
कोई नहीं है, अच्छा लग रहा है। जी वो सब आप संभालिए। ओके सर। देखो लेट नहीं होना चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे फोन करना। ठीक है सर। जरा ध्यान से काम करना। ओके ठीक है, जल्दी करो। दैट्स ऑल जी। हेलो हेलो मिस्टर गोडा, कैसे हैं? मिस्टर क्या हो रहा है सब? क्या हुआ मेरे दोस्त? मेरे नाम की पार्टी में वो वेंकट रत्नम मेरे हिस्सा चापलूसी करता है। वो थोड़ा घबरा गया था, इसीलिए मैं बात करने के लिए यहाँ ले आया। कोई बातचीत नहीं करनी मुझे तुमसे, मेरा पैसा मुझे दे दो नहीं तो। कूल डाउन माय फ्रेंड, कूल डाउन। दुनिया वकील साहब ले आइए, हम लोगों को अकेले में बात करनी है। जाइए बोलिए, आपका पैसा आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। 5 मिनट में मेरे पैसे मिलने चाहिए, नहीं तो कोई कागजात नहीं मिलेंगे। 5 सेकंड में देता हूँ, कागजात मुझे दे दो। मैं इतना पागल नहीं हूँ, पैसे ना देकर आप लोग ऐसा पूछेंगे मुझे मालूम, इसलिए वो सब कागजात मैंने अपने मैनेजर के पास इसी होटल में रखे। ये सोचा अगर वो नहीं हुआ तो आप सब लोगों को फांसी चढ़ाने के लिए सब बंदोबस्त करके आया। हम लोगों को बर्बाद करने का पूरा इंतजाम करके आए हो? हाँ, सबका नाश। हमारा? तुम लोगों का नहीं, तुम्हारा। कितना समय हो गया इसको, अरे ये तो लाल लाल हो गया है रे बाबू। अपना कोई भी आदमी इधर नहीं रहना चाहिए, ध्यान से सुनो, जल्दी होटल जाकर इसके मैनेजर से पेपर कलेक्ट कर लो। ए मैंने बोला ना थोड़ा कम करो, बोला नहीं होगा। अब क्या हुआ? आँख तो खुला इसका, लगता है बोलने वाला है कुछ। कोई भी मुजरिम कानून से बचकर नहीं जा सकता, ये बात मालूम पड़ा? मगर आपको एक और बात मालूम करना है, जो गुनाह नहीं किया उसको कोई कानून बांध नहीं सकता। लाश के पास रहकर भी खून नहीं किया ऐसा बोलोगे? आप भी लाश के पास है ना, तो आप भी तो खून कर सकती हैं। इम्पॉसिबल। इट इज पॉसिबल। नो वे। यस। अशोक अब आराम से अपने दोस्त को कैसे हुआ, किसने मारा पूछना, बोलेगा स्वीट ड्रीम्स। अशोक डोंट बी इमोशनल, उस लाश के पास उसे देखा गया है, इसका मतलब हो सकता है हत्या उसी ने की, उसके खिलाफ केस बनाने के लिए इतना काफी है। ऐसी बात नहीं है। नो no, हमारे डिपार्टमेंट को नासमझी से नहीं समझदारी से काम लेना चाहिए। गुनहगार हमसे हमेशा होशियार रहेंगे, हमें उनसे ज्यादा होशियारी से उन्हें पकड़ना होगा, इस तरह के किसी भी सबूत से नहीं। मेरा यकीन कीजिए सर, आई विल प्रूव। मैं तुम्हारी होशियारी की कद्र करता हूँ, पर इस केस के संबंध में अब सारी तहकीकात मैं खुद करना चाहता हूँ। सर अब तुम आराम करो। मर्डर? हाँ, परसों रात को होटल सोडा में मेयर का मर्डर करते हुए मैंने देखा था। वो इंस्पेक्टर मैडम ने तुम पर शक किया था ना, तुमने उसे बांध दिया था ना, लेकिन मर्डर किसने किया मुझे मालूम है। बोलो किसने किया, बोलो। लेकिन कम ऑन, लेकिन वो टेल मी। ये लो, ये 100 रुपया लो, बोलो। रोज थोड़ा थोड़ा बोलूंगा, इस तरह दादाजी का ऑपरेशन भी हो जाएगा और दादाजी सही हो जाएंगे। बाकी कल बोलूंगा। ए, ए, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। अरे भारी है तू, छोड़ मुझे, छोड़ जाने दो मुझे। किधर जा रहा था रे तू? क्या रे, तूने मर्डर देखा क्या? इधर देखा? मैंने नहीं देखा। ए, लिरिक मत बदल, अशोक को बताया तूने मर्डर के बारे में? ठीक है तुम लोग जाओ। किसने किसको मारते हुए देखा? अशोक से ही क्यों बोला?
बोलो। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने कुछ नहीं बोला। नहीं बोला? बोलो। देखा था। किधर? परसों रात को होटल सोडा में मेयर बसवप्पा गौड़ा को मारते हुए मैंने देखा था। मेयर को मारते हुए? अशोक नहीं मारा था ना? बोलो, कम ऑन, बोलो। नहीं, उस दिन बेकार में अशोक पर शक किया था, उसने मारा है समझ के, मगर अशोक ने नहीं मारा था। फिर किसने मारा? कौन है नहीं मालूम, मगर उसे देखूंगा तो मैं पहचान लूंगा। यू स्टूपिड, अशोक ने कहा ना ऐसा कहने के लिए? नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ मैडम। चुप रहो। Come on my boy, come on. डरने वाली कोई बात नहीं, आओ इधर आओ। क्या बात है मुझे बताओ। Come on, come with me, it's okay. तो उस दिन होटल में मेयर को मारने वाले को तूने देखा था? देखा था। फिर से उस आदमी को देखेगा तो पहचान लेगा ना? याद करो। क्यों, मेरे जैसे ही था ना? नहीं नहीं, आपके जैसा नहीं सर। मुझे देखकर डर से झूठ बोल रहा है? मुझे उल्लू समझता है क्या? मेयर को मैंने ही उस दिन मारा था, ये बात अभी तक किसी को भी मालूम नहीं है, इसीलिए तुम्हें मरना होगा। नहीं सर, नहीं, मुझे मत मारो। मैं मर गया तो मेरे दादाजी को देखने वाला कोई भी नहीं है, प्लीज सर। तुम्हारे दादाजी भी हैं? हाँ, पर उनके पैर ठीक नहीं है। ऐसे ही तुम्हें डराने के लिए किया था बस। ये बात किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। तुम्हें कितना पैसा चाहिए बोलो। मैंने दादाजी के ऑपरेशन के लिए 1000 रुपए जमा किए थे सर, लेकिन दादाजी से मैंने झूठ बोला कि पैसे पूरे हो गए, 9000 रुपए और चाहिए सर, क्या आप देंगे? ये 9000 क्या चीज है? 20000 दूंगा। 20000 देंगे? हाँ, बाहर जाकर सब भूल जाना, ये बात किसी को बताया तो मरेगा। किसी को नहीं बोलूंगा सर, कसम से। पैसे देंगे ना सर? यहाँ दिया तो सबको शक होगा, तुम्हारे घर पहुँचने तक पैसा पहुँचा दूंगा, जाओ। थैंक यू सर। केस स्ट्रॉन्ग है, मगर कहीं पे कुछ हुआ है। केस स्ट्रॉन्ग है तो डीआईजी सर कैसे छोड़ेंगे रे? जाके उनको पूछो कैसा है मेरा लिरिक्स। लिरिक्स लिरिक्स लिरिक्स, तुम्हारी नौकरी जाएगी रे, तुम तो हो ना। देख बेटा, टेररिस्ट लोग सिगरेट में भी बॉम्ब रखते हैं, संभाल के पीना। सिर फूट जाऊंगा ना, क्या होगा? देख, अगली बार अगर तूने सिगरेट पीना तो तुझे फांसी पे लटका दूंगा। पापा प्लीज, पापा आखिरी सिगरेट पापा। नहीं दूंगा, प्लीज पी लेने दो ना, छोड़ दे। अच्छा देख, ए सुन ले, मैं क्या बोल रहा हूँ। एक केस अगर तूने डीआईजी के सामने पकड़ा ना, तो मैं खुद तुझे अपने हाथों से सिगरेट पिलाऊंगा। बाद में छोड़ो नहीं बोलने का। दूसरा केस क्यों? वही बच्चे का केस ही पकड़ूंगा ना, तुम्हें सिगरेट अपने हाथों से पिलाना है। विजय, ये लो। क्या है ये? मैंने जो कुछ भी गुनाह किया सब कुछ इसमें लिख दिया है। मुझे अरेस्ट करके तुम अपना कर्तव्य पूरा करो विजय। नहीं अशोक, मैं तुमको अरेस्ट नहीं कर सकती, कहीं दूर चले जाओ यहाँ से, प्लीज। फांसी देंगे ना, देने दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा देखूं। जान जानो बात मेरी मानो, जान जान जानो बात मेरी मानो,
दे दो इजाजत तो कुछ कहूँ। जी में आए बोले तो सब सुनूं। प्रेम चमन का फूल है इससे दामन भरो। जाने जाना जानो बात मेरी मानो। जाने जाना जानो मेरी मानो। जान जान जानो बात मेरी मानो। जी में आए बोले तो सब सुनो। Thank you.
दादाजी 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 मेरे दादाजी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये भी तेरे साथ है, ये बात तूने उस दिन नहीं बताई होती तो तुझे उसी दिन मार देता। जो तूने देखा तूने इसे जरूर बताया होगा, इसीलिए दोनों को एक साथ मारने के लिए मैंने उस दिन तुझे छोड़ दिया था। नहीं, जो हुआ है मैंने देखा है। आपको गिरफ्तार करना है तो मुझे करो, मारना है तो मुझे मार लो, लेकिन मेरे दादाजी को कुछ मत करो। प्लीज मेरे दादाजी को कुछ मत करो, मेरे दादाजी को कुछ मत करो। दादाजी दादाजी ये क्या है सर, ये सब गलत है। छोड़िए सर, छोड़िए उसे, छोड़िए। ड्रॉप द रिवॉल्वर। उसके दादा को मारना ही गलत है, चिंटू को भी मारना गलत है सर। शट अप। रिवॉल्वर नीचे रखता है कि नहीं? मुजरिम को सजा देने वाले आप ही गुनाह कर रहे हैं सर, ये सही नहीं है सर। कैसा है मेरा लिरिक? आई ऑर्डर यू पुट द रिवॉल्वर डाउन। उसे छोड़ दे, ये है मेरा लिरिक। मुझे क्यों लेकर आए हैं? मैं तो कुछ दिनों में रिटायर होने वाला हूँ। मर्डर केस में मेरा क्या काम है? मेरे बेटे को बोलिए, वो इस काम में एक्सपर्ट है। यस मैडम। अंदर डेड बॉडी है। डेड बॉडी को देखकर मैं क्या करूंगा मैडम? हिम्मत जोड़कर जाइए। ये खाकी वर्दी पहनने के बाद सब आदत सी हो गई है, आपने कहा इसलिए देखकर आता हूँ। अपने आप को संभालिए रमेन जी, हम पुलिस वालों की तो जिंदगी ही ऐसी है। आपका बेटा बहुत बहादुर था, मुझे अपना बेटा ही मानिए। पुलिस डिपार्टमेंट आपका बहुत आभारी है। मैडम उसको फूल बोला तो नाराज हो गया, उसने ये अच्छा काम नहीं किया। इसमें नाराज होने की क्या बात है, वो नाराज हो गया। अरे तू हमेशा बूट पहनकर ही सोता था, आज भी बूट पहनकर सोया। तुम्हें सिगरेट अपने हाथों से पिलाना है सर। एक सिगरेट? बेटा अरे शंभुनाथ, तुम्हें केस तो जरूर पकड़ा होगा, लेकिन हमको वो केस दिखाई नहीं दे रहा है। तू अपनी शर्त में जीत गया रे। लेकिन अपनी बात पे मैं खरा नहीं उतर पा रहा हूं मेरे बेटे। लोगों को मारते रहे तो कितनी लाशें गिरानी पड़ेंगी और कितने लोगों को मारकर हम लोग बाहर निकलेंगे वीरा बाबू? फसल हाथ में आने के लिए काटना भी पड़ता है ना,
मजबूरी है। अरे असल सांप तो निकला जा रहा है, तुम सिर्फ धूल पीट रहे हो। उस अशोक के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे तुम। उस लेडी पुलिस ने तो बोल दिया अरेस्ट करती हूँ, लेकिन क्या हुआ जब मेरा सर कट जाएगा तो दोनों को मिलाने के लिए सोच रहे हो क्या? वेंकट रत्नम, मैं क्या करता हूँ क्यों करता हूँ मुझे मालूम है। तुम मेरे दोस्त तो इसीलिए बोल रहा हूँ, बाहर किसी भी तरह बात किया करो मगर मेरे सामने ठीक से बात किया करो, वरना समझ लेना। माइंड इट। वो आया है ना? कौन? अरे ऊपर एक और बैठा है रे बाबू, मार रहा है रे, मार रहा Shut up. है। हाँ, आज ही रिलीज हुआ हूँ, डायरेक्ट आप लोगों के पास ही आया हूँ। जेल से आने वालों का गेस्ट हाउस है ये क्या? किस लिए आया ये, इसको पूछो। प्लीज कीप क्वाइट। थैंक्स। मुझे अशोक को मारना है और मारूंगा। उसके लिए मेरी परमिशन मत लेना। मुझे फिर से जेल नहीं जाना है, उसके लिए आपका साथ चाहिए। इसके लिए हमारे पास क्यों आया ये? वो आपका भी शत्रु है, वो मरा तो आप लोग बचेंगे, इसलिए। ओके, उसका क्या करोगे, किधर करोगे? चाहो तो भरे बाजार में काट डालो, मैं देख लूंगा। और अगर निशाना चूका तो हमारे बारे में जानने वाले को छोड़ना हमारी आदत नहीं है, समझे? सिर्फ 24 घंटे में। विजय हियर। तुम मेरे ऊपर नजर रखी हो ना, थोड़ा सा नजर अपने डिपार्टमेंट पर भी डालो। तुम्हें लॉ एंड ऑर्डर में छुपा हुआ क्रिमिनल दिखेगा। मालूम है कौन है? उसको मारते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी भी तुमने हत्या नहीं की ऐसा कहोगे? नो, मैं नहीं मारा। ऐसे बेवकूफ को मारने का मुझे कोई जरूरत नहीं, मगर ये मुझे मारने के लिए आया था। आत्मरक्षा के लिए मैंने इसे मार डाला। किसने किसको मारा और कौन किसको बचा रहा है, ये सब निर्णय लेना तुम्हारा काम नहीं है, उसके लिए अलग लोग है। इज इट पुलिस कंट्रोल रूम? डीआईजी को कनेक्शन दीजिए। रास्कल, तुमने लाइन क्यों काटा? मैडम, मैं जो भी बोलता हूँ उसके बाद आप कुछ भी करो। उस दिन पुलिस स्टेशन में बताया आपने नहीं माना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस दिन मेयर को मारने वाला अशोक जी नहीं, वो। बस कर, तू उसके लिए ये बात कितनी बार कहेगा? मैं सच बोल रहा हूँ मैडम, उस दिन मेयर को मारने वाला कोई और नहीं, आपके डीआईजी साहब है। डीआईजी प्रकाश राव जी ने? मेरे दादाजी को और समूनाथ को भी उसी ने मारा, अब मुझे भी मारने के लिए आ रहा है। एक बड़े पुलिस ऑफिसर ने ये सब किया? झूठ। सच मैडम, मैं नहीं मानती। इंस्पेक्टर, तुम मानो या ना मानो उसका असली चेहरा वही है, खाकी वर्दी को, अधिकार को, तुम्हारा जैसा सिंसियर ऑफिसर को आधार करके गुनाह पे गुनाह करने के बाद भी साधु बनकर बैठा है। एक बार अपनी आंखों से पट्टी हटा कर देखो उसका असली रंग कैसा दिखता है। मैं आई कमी सर। यस। गौड़ा के संबंध में नया आधार कलेक्ट किया है सर। So, you are still on that point. Yes, DIG here. मैं चिंटू बोल रहा हूँ। इधर से बोल रहे हैं। वो तुमको बताना जरूरी नहीं, 30 मिनट में जूलॉजिकल पार्क में आकर मुझे जो पैसा देना था वो दे दो जल्दी, नहीं तो मैं सबको बोल दूंगा। ठीक है।
उधर ही रहना, मैं अभी आके तुम्हें पैसे देता हूँ। जल्दी आना, नहीं तो चार मीनार के ऊपर से चिल्लाऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस आता हूँ, ठीक है? श्योर। कौन है सर? माय क्लोज फ्रेंड, सम मनी प्रॉब्लम। हेलो, देखना मैडम, अभी डीआईजी को मैंने ही फोन किया था। अब देखना मैडम उसका असली चेहरा, 30 मिनट में वो जूलॉजिकल पार्क में आएगा, चाहे तो आप भी आके देखिए। ठीक है, रखो। कौन था? माय क्लोज फ्रेंड, सेम मनी प्रॉब्लम। ओह, बोथ ऑफ अस हैविंग प्रॉब्लम्स। वेल, मैं अपनी प्रॉब्लम सुलझा के आता हूँ। आई विल क्लेरिफाई माय प्रॉब्लम। फर्नांडिस सर, वो जेब्रा ब्लॉक में खड़ा है। यस, उसे जल्दी से खत्म करो। ओके सर। अभी मानोगे ना क्या सच है, खाकी कपड़े पहनने वाला आप जैसे सिंसियर ऑफिसर ही नहीं, उसके पीछे छुपा हुआ गुनहगार को पहचाना आपने? पहचाना, चोर कितना भी बड़ा कमीना हुआ तो कोई बात नहीं, मगर उस गलती को रोकने वाला कानून हुआ तो चोर और हमारे बीच में फर्क ही क्या है? उस बात को मानने के लिए आपको एक बच्चे का जान लेना पड़ा, वो मरने तक आपको सच पता नहीं चला, अभी पता चला तो आप कर भी कह सकती हैं। आपकी ईमानदारी उस बच्चे का जान वापस कर देगा क्या? आदमी मरने के बाद आपका कानून रहे या ना रहे एक ही बात है। अशोक, गुनहगार मेरा ऊपर का ऑफिसर है, तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी जाके उसको अरेस्ट करूंगी। मेरी हिम्मत को और बढ़ाने के लिए तुम मेरा साथ दोगे ना? क्या करना है? तुम आत्मसमर्पण कर दो। इट इज इम्पॉसिबल। एक पुलिस ऑफिसर के रूप में मुझे जीतना है, नहीं तो तुम्हारे दोस्त के रूप में मरना है, सोच लो। अशोक, आज एक पुलिस ऑफिसर के रूप में तुमको अरेस्ट किया, मैं बड़ी हूँ ये साबित करने के लिए नहीं, तुम्हें एक और गुनाह नहीं करना है। मेरे जन्मदिन में तुमने जो वक्त दिया वो मुझे याद है,
आज December 31st। आज के दिन तुम उन लोगों को मारोगे, तुम एक और गुनाह नहीं कर सकते अशोक, मैं नहीं करने दूंगी। अरेस्ट करने तक ही आपका काम है, मगर आज जो मैं करने जा रहा हूँ उसे कोई नहीं रोक सकता। 31 दिसंबर के लिए अभी 10 घंटा बाकी है और ये 10 घंटे मेरे लिए काफी है। तुमको देने के लिए मैं हार गया हूँ, इस समय में अगर कुछ नहीं कर पाया तो ये जेल और ये जेल की दीवारें, तुम्हारी पुलिस और ये लॉ एंड ऑर्डर, कोई भी मुझे रोक नहीं सकते। मेरा अच्छाई, न्याय को, मेरे अपनों को जलाकर मुझे शत्रु बनाया है आज का दिन, इसीलिए मेरे शत्रु का आखिरी दिन भी आज ही होना है। Nobody can stop me. Remember, Inspector, you have only 10 hours. मैडम, उन लोगों को पकड़ने के लिए आपको आवेश की नहीं, सबूत की जरूरत है, और वो सबूत मेरे पास है। ये जिंदा है? सब ये समझते हैं कि ये मर गया। जब ये आखिरी सांस ले रहा था तब मुझे मिला और मैंने इसे बचा लिया। इस बात की जानकारी अगर DIG को मालूम हुई तो वो इसे मार डालेंगे। मैडम, मेरे शंभूनाथ को मारने वाला वही DIG है, ये मुझे मालूम है, लेकिन बिना सबूत के मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैडम, आफ्टर ऑल मैं पुलिस वाला हूँ। अब आपके सामने सबूत पड़ा हुआ है, उन लोगों को कभी मत छोड़ना मैडम, प्लीज। बाप रे बाप, वो औरत नहीं है रे बाबू, साक्षात चंडी है। करेक्ट सर। तूने पहले क्यों नहीं बताया? अरे तू कुछ नहीं बोल रहा है रे। अच्छा आ गए, सारी गिनती मेरे अकाउंट में डालकर आधा मार के क्यों आया तू? अरे वो लेडी पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और अरेस्ट वारंट लेकर इधर ही आ रही है। अरे कैसा आराम से तू पाइप पी रहा है रे बाबू। वेंकट रत्नम ही पूछ रहा हूँ, बोलो। मुझे किसी को भी जवाब देने की जरूरत नहीं है। वो नहीं है रे, वो इसके सामने कैसे झुक गया ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ये उसके अंदर डालना है क्या, उंगली दिखाकर हाथ काटना है क्या? मैं एक अग्नि पर्वत हूँ, मेरे पास जो भी आएगा जल जाएगा, उसको तो मैं जेल में देख लूंगा। तुम लोग इधर जो भी होगा उसके लिए तैयार रहना, जिंदा या मुर्दा। बारिश किसी के मरने के बाद ही रुकती है ऐसा कहते हैं, इस वक्त में आप यहाँ क्यों आई हैं मैडम? हाँ वेंकट रत्नम जी, कहना भूल गई है रे बाबू। चुप करो। थैंक्स। डीआईजी किधर है? वो क्या माचिस की डिबिया है जो मैं उसे जेब में रखूंगा? अरे वो तो स्टेशन में होगा, ऐसे खंडर में थोड़ा ही होगा वो। मैंने मर्डर किया, करवाया, करवाऊंगा भी। तुमने मुझे दुश्मन समझा, लेकिन मैं तो तुमको औरत जैसा ही देख रहा हूँ। ऊपर सब फैसिलिटीज के साथ बनाया हुआ गेस्ट हाउस है, उधर चल के आराम से बात करेंगे, सुबह तक प्रमोशन मिलेगा।
शाम की बारिश किसी के मरने के बाद ही रुकती है ऐसा कहते हैं। इस वक्त में आप यहाँ क्यों आई हैं मैडम? हाँ वेंकट रत्नम जी कहना भूल गई है रे बाबू। चुप करो। थैंक्स। दिया जी किधर है? वो क्या माचिस की डिबिया है जो मैं उसे जेब में रखूंगा? अरे वो तो स्टेशन में होगा, ऐसे खंडर में थोड़ा ही होगा वो। ए! मैंने मर्डर किया, करवाया, करवाऊंगा भी। तुमने मुझे दुश्मन समझा लेकिन मैं तो तुमको औरत जैसा ही देख रहा हूँ। ऊपर सब फैसिलिटीज के साथ बनाया हुआ गेस्ट हाउस है, उधर चल के आराम से बात करेंगे, सुबह तक प्रमोशन मिलेगा। Thank you.
Ashok! I own! No! Yes! Ashok! No!